पी जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआ। खुदा हाफिज मेरी बहन, खुदा तुझे हमेशा खुश रखे, हमेशा खुश रखे। दूल्हा भाई, मेरी बहन का ख्याल रखना। दूल्हा भाई, तू मुझ पे छोड़ दे बस। खुदा हाफिज। प्यार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हमारी सिर्फ रुखसती तक की जिम्मेदारी होती है, उसके बाद हम नहीं जानते कुछ। वाह वाह, तूने गारंटी दी थी मुझे। गारंटी दुल्हन थी, कोई नेशनल का फ्रिज थी, 2 महीना फ्री होम सर्विस। मैं कह रही हूँ मैं तुझसे दुल्हन लूंगा। अरे कोई दुल्हन नहीं है, देखो ये शादी दफ्तर है भाई, हमने तुम्हारी शादी तय कराई, निकाह पढ़वाया, कादी लाया, सब कुछ हो गए, रुखसत कराई, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती। बात सुन, तू मुझसे वैसे ही चिरान कर रही है बाबू। मैं जानता, मैं तो पहले दिन समझ गया था। क्या समझ गया? जब गाड़ी में हमारी बारात जा रही थी, दुल्हन मेरे साथ बैठी हुई थी, हराम है जो मुझसे बात की हो। ड्राइवर से बातें की जा रही है। हाँ, ड्राइवर भी कह रहा है 5 मिनट के लिए शेरा मुझे उधार दे दे। मैं कह रहा हूँ शेराने मुझसे शुरू से हो रही है। क्या? मैंने कहा घूंघट उठाऊं, कह लेंगे नहीं घूंघट तो उठाते रहोगे, पहले अंगूठी दे दो। मैंने अंगूठी दे दी। घर में जैसे ही पहुंचे, रस्में हुई, कह लेंगी आंख में चोली खेले। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा पहली दफा कह रही हूँ खेल लेता हूँ। मैंने आंखें बंद करी, जैसी आंखें बंद करी, आंखें खोली है तो मेरी आंखें ही खुल गई। दुल्हन नहीं थी, खिड़की खुली हुई थी घर की। अरे तो मेरे से क्या कहना? देखो भाई, हमने तुम्हें पहले बताया हमारी अब जिम्मेदारी कोई नहीं रहती, शादी कराई थी। मैं कह रहा हूँ तुझसे दुल्हन लूंगा। अबे तूने वो क्या किया था बारात वाले दिन? क्या किया? आज तक सुना है कि दूल्हे के जूते छुपाए जाते हैं। तूने पूरी बारात ही छुपा ली है। पूरी बारात नंगे पैर गई है। मैं कह रहा हूँ मैं तुझसे लूंगा। अरे तो कैसे दुल्हन यार, जाओ खुदा के लिए, मेरा दिमाग खराब है। तू तो मुझे उसी दिन से बुरा लग रही था, बारात वाले दिन अब्बा जान ले आए, दूल्हे पे रूप चढ़ रही है भाई। इसके सत्य के लिए बकरा ले आओ। बकरा ले आ, तुझे बांधने की जगह नहीं मिली, तूने मेरे पजामे के धारबंद से बांध दिया। मैं इधर को चला, बकरा इधर को चला, पजामा। वो तो शुक्र है शेरवानी बड़ी थी। मैं बाहर बैठो, खुदाई के समय तुझसे दुल्हन लेके जाऊंगा। जाओ भाई बाहर बैठो, जहाँ भी बस नहीं देते। यार कोई दूसरी दुल्हन दे दे यार। दूसरी दुल्हन दे दे क्या? दुल्हन का कारखाना है ये। मैं कह रहा हूँ मैं खुदा की कसम बाहर ही बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, लेके देख लूंगा। मैं दुल्हन लेने आ गया। एक तो मेरा दोस्त यार ये जवाब बड़ा चिरान करता है, चीटिंग खुद करता है, मुझे फंसवा देता है। आज आ जाए ये जवाब तो देख लूंगा इसको, खुदा की कसम। बताओ मैं फंसू हर जगह हर काम में, मैं ही फंसता हूँ। आने दो आज जवाब को। आ गया वही होगा। किसी का दुल्हन बनता हुए नहीं देख सकते। अबे तू भाग के इधर आ गया, तेरा दूल्हा अभी इधर आया था। अबे हाँ देखा था मैंने, मेरा दूल्हा बोला, तेरा भी तो जीजा जी था वो। मेरा जीजी? जीजा जी नहीं था तेरा? कैसे? अबे मेरा शोर हुआ तो तेरा जीजा जी हुआ। पागल कहेंगे, बहुत बड़ी गंद हो गई भाई। क्या हुआ? वो फोन मिला उस लड़की की अम्मा को जिसने एंड टाइम पे शादी से मुकर गई, वो मिला उसका नंबर। बड़ी गंद औरत थी वो यार, बहुत बदतमीज खातून है। बताओ शादी का टाइम दिया, रिश्ता तय हो गया, हमने बीच में कमीशन खा लिया, एंड टाइम पे मुकर गई। नहीं मैं तो कोयत में शादी करूंगी, कोयत में इंशाल्लाह इनकी बच्ची बम खाएगी, तुम देखना। बदतमीज किस्म की खातून। और वो तो मेरे जहन में तरकीब आ गई, मैं चला गया दुल्हन बन के, हालात संभल गए कुछ। क्या हुआ था? दुल्हन बन के गया था तू, मजा आया होंगे। अबे खुदा की कसम, बोरी
पता क्या हुआ, मैं दुल्हन बन के गया, रुखसती हुई, वो मेरे को दूल्हा के साथ पिछली सीट पे बिठा दिया, वो मुझे कोनिया मार रहा। कौन दूल्हा? मैंने पेट में घुसा दिया धड़ंग। दूल्हा? बोले आप तो बड़ी फ्री है भाई। फिर क्या हुआ? अबे फिर क्या होना था भाई, गंद हो गई। उनके खानदान में तो अजीब अजीब रस्में थी भाई। कौन से रस्में? वो ले गए मेरे को वहां से, अपना क्या नाम है, वहां पे दुल्हन हुआ, वहां पे गाड़ी रुकी, उन्होंने बोला भाई गाड़ी से लेके घर तक है ना दूल्हा गोद में उठा के लेके जाएगा। तो तुझे उठाया? मैंने सारा वजन छोड़ दिया। मुझे ले जाके कमरे में बिठाया, मैंने कहा उस्ताद अब निकल लो। फौरन मैंने खिड़की खोली पाइप से नीचे उतर गया, नीचे पाइप से कैसा है? और नीचे वो दूध वाला आ रहा था साइकिल पे। अच्छा। मैंने कहा भाई यूं यूं, बोले बिस्मिल्लाह, दूध वूध फेंका, मेरे को बिठा लिया उसने। मेरे को बिठा लिया, मैं यहाँ पे उतर के मैंने घूंघट उठा के बोला थैंक यू, अब तक बेहोश पड़ा हुआ जाकर। दूध वाला? अबे यार, वैसे तेरा दूल्हा बड़ी चिरांत करके गया भी। अबे छोड़ दे, ये बता मेरी बीवी को तो पता नहीं चला? नहीं नहीं, उनको तो रात को नींद की गोलियां देके सुला दिया था मैंने। वेरी गुड, ये काम बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आज हमारी शादी की सालगिरह भी है। तुझे पता है तेरी भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन कमबख्त पूरी दुल्हन बनती है। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना। ठीक है, जल्दी बदल लियो कपड़े, कहीं फिर आ जा यार। अब ये भी देखिए, मैंने दूध वाले के साथ साइकिल पे बैठ के आई दुल्हन। कौन आई है? दुल्हन बैठ के आई, मैंने खुद देखा अभी। तुम्हारी नजरों का धोखा यार, कोई दुल्हन नहीं आई। भाई मैंने खुद देखा, दुल्हन साइकिल वाले के साथ आके बैठी हुई थी। अरे नहीं नहीं, वो तुम्हें धोखा हुआ। एक्चुअली वो साइकिल वाले ने ना अपने डिब्बों पे लाल रंग कराया हुआ। डिब्बों पे? डिब्बों के हाथ तेरे बाप ने बनाए थे, ऐसे पकड़ के बैठी थी, आज तक मेरे साथ नहीं बैठी। अरे जाओ यार, तू दिमाग खराब। मैं कह रही हूँ भाई, शराबत निकालने में बहुत तंग आया। निकालना तुम, निकलो यार इधर से। मैं कह रहा हूँ अपने, चलो घर पे, चलो जवाद नहीं वसीम मेरा नाम है, चलो घर पे। कौन है ये? मैं तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। बदतमीज का निकल, निकालो इसे घर के निकल पाए। प्यार में गाली है बकरी है। चलो घर पे, अम्मी बुला रही है। कौन सी अम्मी, किसकी अम्मी? तुम्हारी सास कह रही पराई बच्ची को क्या बोल दिया तूने, चली गई। चलो घर पे, मैं परेशान हुई। ये तेरी दुल्हन नहीं है, ये सांप की दुल्हन है। हमको सांप कह रही है, हमें सांप कह रही है। चलो जवाब आ जा, तेरा माल उठ रहा है। हट जा बे, चलो घर पे। मेहमान बात कर रहा है अभी, मेहमान बात कर रहा है। सर आदमी तंग करिए सर, उसकी बात खत्म हुई अभी। आप बोलिए, हाँ जी क्या हुआ? वो आ गया मेरा गिरबान पकड़ के, मैं मेरे मेहमान है वो, मेहमान बोल रहा है वो। दुल्हन से लेने सर बात, बदतमीज, उसकी बात खत्म हुई अभी। बताओ मेरा गिरबान कह दिया कि अभी उसे तो बोलने दे। बात ऐसी है सर, मैं वो चुप हुआ है अभी। क्या बात है, आप लोग बोल नहीं रहे, क्या हुआ? हम लोग गूंगे ठीक है सर, ये आदमी बोल के बीच में पिटवाएगा आपसे सर। मुझे कौन पिटवाएगा? ये सर, वो तू चुप रही। आप बात बताएं क्या बात हुई है? चुप रही हो सर, ये आदमी सर मेरी बीवी नहीं भेज दी है सर, मेरे से शादी करवाई है। तुम इसकी बीवी? जवाब, मैं हूँ। अबे पागल के बच्चे, चल। सर मैंने खुद देखा, अभी भी साइकिल में बैठ के आई सर ये। अबे वो मैं थी। वो कौन थी? संभालो संभालो संभालो, वो मैं थी, गाजर थी। वो मेरा मतलब है, वो हमें क्या पता कौन थी वो। मैं कह रही हूँ खुदा की कसम, मुझे धोखा हो रही है। मैं नए नए दुल्हन खुद पता लगा, खुद इल्जाम तुम पे लगवा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आप गेट आउट हो जाए। ओए ये गांव तक के बाहर रखो, चलो। अबे मैं कह रहा हूँ बाहर बैठा हूँ, अल्लाह की कसम देख लूंगा मैं आपको। चलो 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 बाहर, चलो बाहर, गेट आउट, गेट आउट। मुसीबत है, आज हमारी शादी की सालगिरह है और ये नहुसत नाजिल हो गई। नहुसत तो नाजिल होनी थी, तुम हो ही मनहूस लोग। क्या मतलब? और क्या, ये क्या बनी हुई है तू? क्यों, शादी की सालगिरह है तो ये तो बनती हूँ हर साल मैं। इतना लोहा सर पे लगा हुआ, बिजली के तारों के पास मत गुजरियो। क्यों? चल जा, क्या क्या काम हो लो? वो जवाब, वो शादी का केक काटना है भाई। काट लेंगे, लंच ओवर में भी वर्किंग ओवर है, काम कर रहा हूँ दफ्तर के अंदर। मैंने बोल दिया डिफेंस से दर्जी आएगा, इस दफा केक उससे कटवाएंगे। चलो जाओ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। चलो जाओ, इंतजार करो, चलो जाओ। यार हाँ भाई, तुमने इसे यहाँ का टाइम क्यों दिया था? मैंने कहा टाइम दिया, वो खुद ही आ गया था भाग के। अबे यार, वो आ गया था कि वो चला गया था, तुमने उसे यहाँ का टाइम क्यों दिया? मैंने नहीं दिया यार टाइम, तू खुद ही तो भागा है। वो मेरे तेरे पीछे आया, मुझे पकड़ लिया। मेरे पीछे आया, तेरे पीछे आया, ऊट पटांग बातें कर रहे। तुमने अखबार में इश्तेहार दिया? नहीं नहीं, आपने बोला था मैं लिखाऊंगा तो देना। लिखो इश्तेहार।
इश्तिहार लिखो, तुम्हें दफ्तर चलाना नहीं आता, शादी के दफ्तर के लिए बहुत जरूरी है कि पहले अखबार में इश्तिहार दो, पब्लिक को अट्रैक्ट करो, झूठे झूठे इश्तिहार छपवाओ ताकि लोग पागल होकर आए, पूछे ग्रीन कार्ड ये वो, इस सब लोगों को पागल बनाओ। अच्छा हाँ, यही तो हमारा बिजनेस है। लिखो, लिखा है एक औरत, सिर्फ एक औरत, पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी है। लिखो 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 लिखो, ये अपनी वाली नहीं नहीं, यहूदी औरतों की बात कर रहा हूं। अपनी वाली पागल है, मैंने भी यही रहना भाई। हाँ लिखो, एक औरत, ठीक है, एक औरत करोड़पति है, अरबपति से शादी करना चाहती है, अरबपति से शादी करना चाहती हैं। शादी के ख्वाहिश में नजरात रुजू करें, दफ्तर का नंबर पता लिखो, नंबर पता दफ्तर का, ठीक है। इसके बाद लिखोगे एक और औरत, फिर वही औरत, वंस मोर, पब्लिक के बेहद इसरार पे, यही इश्तिहार नीचे फिर छाप दो दफा, हाँ कारोबार बिजनेस भाई। आगे लिखो, एक औरत शादी में हैट्रिक की है, हैट्रिक, जी हाँ, तीन तलाक हो चुकी है, हैट्रिक की है उन्होंने, ठीक है, हैट्रिक की है, हैट्रिक की है, तीन तलाकें हो चुकी हैं उन्हें, और वो जो है शादी के लिए दरखास्तें चाहिए, अंधे लूले लंगड़े मोहताज तलाक याफ्ता कुंवारे रंडवे सब चलेंगे, दरखास्तों के साथ तीन फोटो लाए, टेंडर उसके नाम खुलेगा जो सबसे अच्छी पेशकश करेगा। टेंडर? हाँ, ये शादी टेंडर की तरह होगी, टेंडर की तरह। ओ खातून ऐसी है, चलो ठीक है, लिख लिया जी, अखबारात में दोनों इश्तिहार जमा कराने आप, ठीक, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पब्लिक के टेलीफोन आए, लोग आए, ठीक। हाँ टेलीफोन पे याद आया, उस लड़की का जारा का तीन मरतबा फोन आ चुका है। वो कौन सी जारा? वो ब्यूटी पार्लर वाली, अखबार टेलीविजन में पब्लिसिटी में भी आती है, तो बड़ी कम बात है भाई। अच्छा, उसकी वजह से तो मैं एक दफा फंस चुका हूँ। कैसे? वो जो एक इश्तिहार में आती है, वो कहने लगी एक दफा इश्तिहार में, कह रही है आप एक बार पी के तो देखे, मैंने पी ली, फिर जो पुलिस वालों ने सुताई की है भाई, मैंने कहा वो तो टीवी पे कहती है खुले आम एक दफा पी के देखो, हमने पी ली तो क्या हुआ, बोले पागल वो तो चाय का कहती है, तुमने तो विस्की पी ली, मैं कहा मैं अब क्या करूं, मुझे माफ कर दो मेरी गलती हो गई, वो तो मैं क्या करूं, मैं समझा, उन्होंने कहा एक दफा पी के देखो, मैंने पी ली, मैंने क्या, ठीक है, ये उसका फोन आया था, यार वो भी शादी करना चाहती है किसी गैर ममालिक में, गैर मुल्क में, हाँ उसकी ख्वाहिश है किसी गैर मुल्क में शादी हो। अच्छा, तो इसके लिए वो अपना क्या नाम है, मैंने उसके लिए एक रिश्ता बनाया, रिश्ता बनाया, फर्जी रिश्ता, फर्जी, ऑस्ट्रेलिया से आएगा रिश्ता, ऑस्ट्रेलिया से, ग्रैंड हैंडम नाम रख दिया उसका, क्या ग्रैंड हैंडम, अच्छा ग्रैंड हैंडम, हाँ मुंह टेढ़ा करो फिर निकलेगा ग्रैंड हैंडम, ये सही, अच्छा ठीक है ना, वो रिश्ता मैंने बना लिया, 5-6 हजार रुपए फीस खाएंगे, यही हमारा काम है। ओ यार, दौलत कमाओ दौलत, तो इंसान इंसान नहीं शादी के दफ्तर में, दौलत दौलत और क्या, हमने कौन सा जन्नत में जाना है, क्यों क्यों, अबे और क्या, जन्नत में जाके ख्वारी होना ना, कोई जानने वाला भी नहीं होगा। दो लाख में, ये बात तो सही, दो लाख में जाएंगे, दो लाख में सब वाकिफ दोस्त, आप मजा, और ये जन्नत वालों को दो लाख वालों को बहुत काम पड़ेगा, देखियो तू, अच्छा वो सर्दी में आएंगे, थोड़ी सी आग दे दो, एक को भी नहीं दूंगा इंशाल्लाह, मैंने दो सारा सोचा हुआ, मैंने सारा प्लान सोचा हुआ, उस लड़की का आप अगर फोन आए ना तो तुम मुझे बता देना कि आपका रिश्ता तय हो गया और आप जो है ना आकर के रिश्ता सेट कर ले, ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ इधर हो जा बेटा, हाँ 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 जी, अच्छा नहीं, कौन है, कोई नहीं, फोन बंद कर दिया था यार, उस पर नहीं करो, कौन है क्या है, तुम एक काम करो जारा का ऑफिस का नंबर कहीं से ढूंढो। हेलो, कौन, हाँ जारा मैं बोल रहा हूँ, जी जी जी, हाँ आपका बताया फोन आया था, हाँ आपके लिए रिश्ता शादी का तय हो गया है, जी हाँ तकरीबन बात हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रैंड हैंडम, ऐसे नहीं ग्रैंड हैंडम, मुंह थोड़ा देर लेफ्ट पे लेके जाओ, ग्रैंड हैंडम, गुड नेम, या बिग बिग मैन, रिच पीपल, रिच रिच पीपल, यू नो रिच रिच, ये बड़े बड़े बाल है रिच का बच्चा, या या, ओके ओके, आप पहुंच रही हो, कहां हो, कहीं करीब ही हो, जल्दी में हो, हाँ अच्छा मोहल्ले में, अरे तो आओ ना, 2 मिनट में पहुंचे फिर बात करते, बाय।
एक काम करो, जल्दी आओ। एक काम करो, तुम जाओ और जाकर के 10 मिनट के बाद बाहर से ग्रैंड हैंडम बनकर टेलीफोन करो। फोन करूं मैं? हाँ, तो और क्या, फोन करो, बोलो मैं ग्रैंड हैंडम बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा। लड़की यही होगी, मैं बात करके लाइन सेट के 5000 रुपए दिए, मैं आ जाएगा। ठीक है, बस तो ठीक है, तुम जाओ और ग्रैंड हैंडम बनकर टेलीफोन करो, जाओ, गो। फोन करूंगा, गो। और देखो जरा इतिहास से 10 मिनट के बाद ग्रैंड हैंडम नाम याद रखना। ग्रैंड हैंडम, ग्रैंड हैंडम, बस जाओ, जल्दी जाओ। एक काम हुआ है ना, आई क्यों नहीं, कब से इंतजार कर रही हूँ, केक काटना है। भाई काट लेंगे केक, केक का क्या प्रॉब्लम है, पहले मेरे बिजनेस तो सेट करने दो यार। अरे हाँ जवाब, वो जो मेरे डैडी की लकड़ी की डांग है, मैं इतनी देर से तलाश कर रही हूँ, मुझे मिलने रही, तुम्हें तो नहीं देखी वो लकड़ी की डांग? हाँ, वो तुम्हारे अब्बा की थी। हाँ? मैंने उसका पटरा बनवा लिया। कोई बात नहीं, दूसरी ले लेंगे, कोई सी बात नहीं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, मेरे मम्मी डैडी का वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं है। बर्दाश्त इसलिए नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप हमें यहाँ छोड़ने आए थे आधे घंटे के लिए शादी के बाद, और अब तक नहीं गए, 7-8 महीने हुए। उनके दामाद का घर है, जब तक दिल चाहे रह सकते हैं इस घर में। मेरी मम्मी भी तुम्हारी कई शिकायतें करती है मेरे सामने कि अड़ोस पड़ोस की जितनी भी औरतें सबको जानते फिरते हो तुम। मैं जानता हूँ, तुम्हारी अम्मा ने देखा है, वो तो अंधी है, कहाँ से देखा उन्होंने, कानों से देखती है वो, उनकी बातों का एतबार कर रही हो, मेरा एतबार नहीं करती तुम। अच्छा, जल्दी आओ केक काटना है। आ जाए आप, चले मैं केक काट, जल्दी आए। क्या बनी फिर रही है अपनी तरफ से, इस शादी के बाद औरतें जहर लगने लगती है कमबख्त। तारी जुर्रत किस तरह हुई हमारे इलाके के अंदर शादी का दफ्तर खोलने की? आप कहते हो तो तलाक का खोल लेता हूँ भाई, आप जो बोलेगा वो दफ्तर खोल लूंगा मैं, मुझे क्या है। तुम मैंने नहीं जानता, आपको तो सारा मोहल्ला जानता भाई। मेरा नाम है कल्लू दादा। कल्लू दादा, कल्लू नाना भी हो जाओगे, अल्लाह ना चाहता भाई। राम ने पूरे 49 कत्ल किए जी, जी, और 25 अगवा बराए तावान के केस किए जी जी। ये आपको देख के तो कानून की मजबूती का एहसास हो रहा है मुझे बहुत ज्यादा। और बात सुन भाई। जी भाई। तन्ने पैसे पहुँचाए के नहीं पहुँचाए? पूरा पैसे पहुँचा दूंगा भाई, तेरे हमारे पे गुस्सा हो रहा, पूरा दामने पछाड़ा नहीं, मैं भी तेरे गाँव का हूँ, पूरा गाँव का हूँ, हैरत से के देख रहा, बोल ना। कौन सी गाँव का भाई? अरे भाई मैं भी गुड़गांव में का हूँ, तुम्हारे साथ बदमाशी करना कड़ी आ गया, नुके का थर देख कर सोच रहा था हमारा गाँव का भाई ये हमारे साथ कुछ ना करेगा, पर तो हमारे साथ बदमाशी करके हमारा भी बदनाम कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई? अरे रहने दे भाई, था हमारा दिल तोड़ दिया भाई, मार दो हमारा रोड़ा लग गया, वहां हमारा गाँव का होगा था वहां बदमाशी भाई। अरे भाई मान दो, कैसी हमारा गाँव का तो बदमाश बढ़ गया। अरे पूरा बात सुन भाई। अरे तू भाई मारा गांव का है, पूरा बात तारे गांव के, तेरा बदमाश ना समझू, तू बदमाश है, नहीं बोल तू बदमाश है। अरे गांव का समझू भाई, समझू भाई तने को बदमाश नहीं समझू भाई, समझू भाई गांव का भाई हो भाई, समझ के तेरे मारे को दरी गिरा दे। अरे भाई तू बदमाश थोड़ी हमारे वास्ते, तू बोल तू बदमाश है तो बोल, तू तो हमारा भाई है, बदमाश हो गए तो कोई बात करूं भाई ने मारू भाई, तू भाई भाई कह के मारे चले जा रहे मार को। अरे यही जमाना भाई भाई कह के मारो भाई, पूरा ईमान से तारे अलावा कोई मार को हाथ लगाना, ईमान से एक मिनट में उसको गिराते हम। अरे भाई तू बदमाश थोड़ी है, मारे वास्ते तो मेरा भाई है, तू बदमाश है कोई मारे वास्ते। बात सुन भाई। अरे भाई बोल। पूरा हम कल ही जेल से आए। अरे मुबारक हो, आ गए मुबारक हो, कल जेल से आए, हमारी माँ कहने लगी भाई अब तू जेल से आ गया, इस तरह कर भाई शादी कर ले। अरे मैं कराऊंगा तेरी शादी, पूरा फिर कोई अच्छी सी चीज दिखा दे बन्ने। अबे क्या बातें कर रहे हैं, चीज कर पेस्ट्री दिखा दूं तुझे कोई? अबे भाई शादी के लिए लड़की होती है, खानदानी लोग हैं, आपका रिश्ता कराऊंगा, ऐसी क्या बात है, मैं कराऊंगा आपकी शादी, मैं आपका घर बसवाऊंगा। पूरा ईमान से मैं तारा सारा दिन जगानी तेरी खिदमत करूंगा, पाँव धो धो के पीऊंगा ईमान से, मने कोई काम बता, मने काम बता कोई ईमान से, मिनट के अंदर सारे इलाके को दर करा दूंगा। अच्छा ये बात है यार, एक बंदे में मेरे पैसे चाहिए, पैसे नहीं दे रहा, कहता बदमाशी करनी है तो कर लो, मैं कहां से बदमाशी करूं? पूरा तेरे भाई खुदा की कसम पूरे इलाके को बदल दिया, सारे पैसे भी दिलाऊंगा, कौन है बता बनने, अभी टेलीफोन मिला के देता हूँ, आप जो है ना उसके ऊपर टेलीफोन मिला के देता हूँ, आप उसको फोन पे तड़ी दे दो। पूरा मिला जल्दी, अब मारे पता चला मारा भी कोई है दुनिया।
غلام تارے ساتھ ہیں. ارے تمہارے واسطے بدماش تو یہ بھائی ہے تمہارو, ایسی بات نہیں ہے بھائی, تمہارو مارو بھائی ہے تو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہیلو لے بات کر. اپنے گھر کا پتا بتا, گھر کا پتا کہاں آئیں گے وہ لوگ, گھر کا پتا بتا. پتا رہو بھائی, اور بات سن بھائی, تڑی تڑی ارے سن, تن ڈیفینس دے گئے وہ ہے نا تنگی, اس کے برابر میں کسی سے پوچھ لے کلو کا باڑا کہاں ہے. اپنا تڑی سے بول, تیرے بچے کھا جاؤں گا. رب تارے بچے کھا جائیں گے, تیرے فیملی کھا جاؤں گا, تیری فیملی کھا جاؤں گا, سب کو چک کے لے جاؤں گا. تم نے سمجھ لیا, تڑی سے تڑی, ہاں سمجھ لیا تم نے میرے بھائی کو. تڑی سے فرمائی ہے رب تیرے رب نے بھائی, تڑی سے تم بولو, تیرے محبت مر گمار چلا جا رہا. ارے چل تڑی دے تو. ہاں بھائی ماشی کہہ رہا تڑی کیوں دے رہا. ہاں بھائی ہاں بھائی دوستی کر رہا ہوں. بندے بھی آ رہے ہو تیرے بچے چک کمار کو یاد کرے گا تیرے مار پہ. تڑی تڑی ہاں تڑی, تو بندے نہیں جانتا. آپ آنا بنا, آپ آنا, میں بہت بڑا بدماش ہوں. ٹھیک ہے ہاں آ رہا ہوں. لے بھائی یہ بات ہوئی نا, آج پتا چلا بدماشی کیا ہوتی ہے. سیج واہ واہ, برا تم نے تو ماری کیرن کو للکار دیا. یہ بتا ایب کہ وہ ہے کون, یہ بندہ کون تھا؟ یہ تانے کا ایس ایچ او تھا. نہیں نہیں تو پولیس کے بچے کھا جا, کھا لے کھا لے. ارے بھائی نسل کو کھا جائے گی پولیس, تو بچے کھا ان کے. ارے بھائی میں بدماش نہیں ہوں. تو بدماش ہے. نہیں بھائی میں تو کباب بیچتا ہوں. کباب تو نے 50 قتل کیے, تو تو اخبار تابڑ برائے بھی کرے. ارے بھائی میں تو تارے گاؤں کا بھی نہیں ہوئی. ارے بھائی یہی بیٹھ, ابھی آ رہی ہے پولیس, یہی بیٹھ. ارے بھائی سلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ آئے چیٹنگ کرنے, انہیں 49 قتل کیے, 25 اغوا کیے, ہم پاگل بیٹھے ہوئے ہیں خالی. ہیلو, ہائے ہائے, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. آپ کا فون آیا اور ایک منٹ میں آ گئی. جی ہاں, آپ کی دوسری گلی میں میرا بیوٹی پارلر ہے. آپ یہی تھی؟ جی ہاں. ارے بھائی میں سمجھا کہ کہیں دور ہے. چلو اچھا وہ آپ آ گئے, آپ سے بات بھی کرنی تھی. بات یہ ہے کہ آپ کا رشتہ جو تھا نا شادی کا, وہ میں نے تقریباً طے کر لیا. کس سے؟ آپ کا رشتہ طے ہوا ہے آسٹریلیا کے اندر. آپ چاہ رہی تھی نا ملک سے باہر آپ کی شادی ہو. جی ہاں میں نے ارینج کیا, میں نے. اور لمبا رشتہ ہے آسٹریلین, مسٹر گرینڈ ہینڈم. گرینڈ ہینڈم واٹ اے مین ان دا ورلڈ, ہی از اے بگ مین, 7'3" قد, رچ مین. رچ مین اور لاکھوں کروڑ روپے کی پراپرٹی, ریس میں 600 گھوڑے, دو شپ, 5 جہاز, پانی کے اندر گھر, انڈر واٹر, واٹر پروف مکان. میں خود دیکھ کے آیا اندر, خوب چائے وائے پی, ادھر مچھلیاں گھوم رہی ہیں, چیتے سب لوگ گھوم رہے ہیں. میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے. اوہ یا بہت بڑا آدمی ہے گرینڈ ہینڈم. اچھا وہ کیسے لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ گرینڈ ہینڈم. جی ہاں گرینڈ ہینڈم ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو لڑکی اس کے ساتھ ماڈرن زندگی گزار سکے. وہ اپنے دوستوں سے ملائے کہ شی از مائی وائف, تو وہ کہے آؤ کیا آپ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے. بولے وائی ناٹ, ہیلو, شیک ہینڈ کرے. Why not? Hello. Very nice. آپ میں تو بہت صلاحیت ہے. Thank you. اور گرینڈ ہینڈم یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے کسی کلب میں جائے, کیونکہ وہ برٹش میں رہتا ہے. وہ جائے تو اس کے دوست اس کی بیوی سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈانس کریں گی, تو وہ بولے وائی ناٹ, کیوں نہیں. Why not? کیوں نہیں. واہ آپ میں بہت صلاحیت ہیں, آپ کا رشتہ ہو جائے گا بھائی میرا. او یا تو گرینڈ ہینڈم صاحب کی شادی ہوگی. وہ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ وہ کسی دن بھی آ سکتے. اچھا پاکستان ان کے لیے کیا پرابلم ہے بھائی. آپ کی تعریف گرینڈ ہینڈم. گرینڈ ہینڈم مگر ان کا تو فون آنا تھا, خود ہی آ گئے وہ تو. دیکھیں مسٹر جواد, آپ ذرا 5 منٹ کے لیے باہر جائیں. کیوں؟ ہمیں ان سے باتیں کرنی ہیں. مجھے بھی تو دیکھنے دیں, میں نے بنایا ہے گرینڈ ہینڈم, میں نہ دیکھوں. آپ
Grand handsome. Yeah, yeah. You go. Me go. Me come, inshallah. Jaiye na. Yeah, yeah. You go. Hum kabat. Oh, grand handsome. I love you. Main tumse pyar karti hu. Main tumhare bagair zinda nahi reh sakti. हाँ मैंने सुना है कि आपके रेस में 600 घोड़े यस यस हमारे 600 घोड़े 600 घोड़े 1200 छिपकली क्या छिपकली का कारखाना अच्छा और आपका पानी में मकान है यस पानी में मकान मकान की छत पे लॉन यस हमारा आपके जहाज और शिप चलते शिप ओ गॉड शिप चलता इतना बड़ा शिप क्रिकेट का स्टेडियम बना था क्यों यस बहुत बड़ा शिप आपको मैच देखने का शौक है यस बहुत शौक है हमें भी बहुत शौक है ओह थैंक यू लेडी तुम हमसे शादी मनाएगी ओह यस गुड तुम हम बहुत अच्छा लगता है हमको आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बस तो ठीक है अभी चलेगा निकाह करा का ओह कैसा लगता हम तुम बहुत अच्छे लगते हो बस ठीक है चलो ओके यस कम हियर कम हियर हां यस क्यों ओ रिक्शा वाला कह रहा है उसको फारिग कर दें आप जरा हां रिक्शा भी हमारा रिक्शा भी इसका रिक्शा भी है गैराज भी है इसका इधर आ बेहया इधर आ ये ले पकड़ ये ले ये गिराने इंडा ये सारा गिराने इंडा ये पकड़ और चलाना तुम्हारी शक्ल पे चीटर इंसान शर्म नहीं आती तुम्हें तुम हमारे ऑफिस को बदनाम करने के लिए तुमसे कहा कि तुम क्या करके आ गए हैं तो मुझे कह रहे हो खुद को नहीं देखा अपनी शादी में तुम भी तो यासिर अरफात बन के आए थे चलो मुसलमान तो बन के आए थे तुम्हारी तरह काफिर बन के तो नहीं आए हम क्यों बच्चों देख लूंगा जा इधर से तलवार तलवार गुस्ताख इंसान थैंक यू मिस्टर जवाद आपने मुझे बर्बाद होने से बचा लिया नहीं नहीं मेरी तो पूरी कोशिश थी अल्लाह बचाने वाला देखिए ग्रैंड हैंडम का फोन आए तो मुझे इतला कर दीजिए चलो ठीक है चले जाइए आप जाइए शाबाश चलिए आप चले जाइए जैसे फोन आएगा बता देंगे दिमाग खराब कर दिया कमबख्त ने बने बनाए गेम को खराब करता है मनुष्य इंसान सतिया ना जाए ए हया लो कमबख्त इनको दफ्तर चलाने की तमीज है नहीं पार्टी को अंदर लेकर आओ मुझे क्यों बता रहे हो बड़ी पार्टी है पार्टी रास्ते में बिछ जाओ कालीन बन जाओ अरे वालेकुम ए सेठू रिश्ते के लिए आया हूं अरे सेठू हां चलो अच्छा वो बता दिया वरना मैं धक्के मार के निकल जाऊंगा नौकर हमारा अच्छा वो बता एल्बम देखिए एल्बम देखिए हां हर किस्म का रिश्ता मौजूद है यहां से देखिए आप हर किस्म का रिश्ता है लड़के को देखिए आप कितना खूबसूरत लड़का है ये तो तेजाब गिरने से ऐसा हो गया बहुत अच्छा लड़का था ये देखिए आप ये डॉक्टर साहब है इनके हाथ से कोई बच के अपने घर नहीं जा सका बहुत खूबसूरत लड़का है यहाँ देखिए आप देखिए इंजीनियर है ये लड़का देखिए डाकू है ये पुलिस में हर किस्म का रिश्ता आपको मिलेगा ये देखिए आप बहुत अच्छा लड़का है ये सिविल में रहता है अम्मा जिना में रहती है अब्बा बकाई में रहते हैं सारी मेडिकल फैमिली है मजा नहीं आया यार अबे तू हलीम की दुकान पे है मजा नहीं आया भाई रिश्ता देख रहे हैं आप रिश्ते की क्वालिटीज देखिए आप भाई कोई चीज देखा चीज 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 तुमने इन्हें क्या बताया भाई शादी का दफ्तर है आप क्या बेहूदा बात कर रहे हैं ए भाई मैं अपने रिश्ते के लिए नहीं आया हूँ अपने औलाद के रिश्ते के लिए आया हूँ औलाद तो औलाद को बुलाओ ना कौन है यार ए आजा नुसरत साहेब नुसरत साहेब क्या बात है भाई और क्या लेके फिर रहे तुम्हें शर्म नहीं आ रही हया करो यार कोई शर्म करो ये कोई साथ लेके फिरने वाली चीज है अरे ये मेरी औलाद है अरे ओ, खुदा का खौफ करो यार ऐसे बच्चे तो लोग फेंक देते तुमने पाल लिया अल्लाह का खौफ करो यार को खुदा का खौफ करो क्या लिया वो देखो तो सही वो लगनी पे लटका हुआ बच्चा तुम्हारा ए भाई मेरी औलाद है ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है अरे मजाक हमने किया तुमने किया ये मुसलमानों के साथ मजाक किया तुमने ये मुसलमानों के साथ अपने मुल्क में मर्दों की जरूरत है वो डॉक्टर कदीर को देखो एटम बम बना रहे और तुमने क्या बनाया खुदा का खौफ करो शर्म वाले बम बना रहे हो लानती बम है ये भाई ये मेरी औलाद है मैं रिश्ते के लिए आया हूँ कोई आपकी नसीहत सुनने के वास्ते नहीं आया हूँ मैं नसीहत के बच्चे औलाद भी कोई दिखाने जैसी हो तो आदमी ले आए भाई क्या लेके आ गए वो तो देखो वो देखो ए भाई इसकी माँ की ख्वाहिश थी लड़की हो मेरी ख्वाहिश थी लड़का हो
अभी अल्लाह ने हम दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दी, नहीं इसको मेरे को दे दिया डबल प्रोग्राम। भाई इसका क्या करना है? भाई इसका रिश्ता तय करना है किसी अच्छी जगह, शादी होगी। अबे भाई सुनो मियां, तुम्हारी बारात आएगी या जाएगी, इसका तय तो करो। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप, रिश्ते तो आपने हजार कराए होंगे, अभी इसका रिश्ता कराओ तो जानू ने। हाँ भाई जी, लो जी। क्या नाम है भैया? नुसरत। लो नुसरत। नुसरत के साथ ही मुंह खुले, नुसरत। नुसरत पापलेट, शादी करोगे? जी। लो जी। वो लड़कियां कहती ना कबूल के वक्त जी, वो वाली आवाज निकल। अबे भाई शादी करोगे, जहन में कोई आइडिया है क्या? आइडियल है, लड़की खूबसूरत हो बिल्कुल मेरे पापा की तरह। अबे इससे अच्छे तो बेकरी के पापे होते हैं भाई, खुदा का खौफ करिए कोई पापा है तो जलावा पापा है कम्बा। और स्मार्ट हो, हैंडसम हो बिल्कुल मेरी तरह, हम दोनों को एक कपड़े दूसरे के आ जाएं, और जब हम सैर के लिए बाहर निकले ना तो लोग हमें कहें देखो कितनी प्यारी सहेलियां जा रही हैं। सुन तो लांती, इसका प्रोग्राम सुन, और डूब के हमारे चाचा ये देखते थे वो क्या बोल रहे हैं, हमारे वो तो सहेलियों के चक्कर में है वो। भाई मजाक नहीं करो आप, मेरी मजाक मैंने किया तूने किया, फिर बार बार वही बातें कर रहा। और कोई ख्वाहिश? छह सालियां हो मेरी। लो छह सालियां, वो इसलिए ना मेरे साथ पैर दूध खेलें, गिट्टे खेलें, और जब शॉपिंग करके बाहर से आए ना तो पता है क्या लाएं? एक एक पाव इमली लेकर आए। लो इधर आओ भाई, इमली। बदकिस्मत इंसान, ना तू नाना बनेगा ना दादा बनेगा, जा देखो। प्रोग्राम सुन, प्रोग्राम सुन उसका, इमली से तो शुरू हुआ है वो, और वो भी एक एक पाव। अबे को खुदा का खौफ करो, पाकिस्तान में मर्दों की जरूरत है, कल को जहाद का ऐलान हो गया, ये क्या मोर्चों में फौजी भाइयों के लिए खाना लेके जाएगा कमबख्त? ये किस काम आएगा ये? बाबा रिश्ता होता तो मैं इधर काहे को आता आपके पास? देखो भाई मैं देखूंगा रिश्ता, कोई मजबूर वालदेन बहुत ही मजबूर हुए जिनकी बच्ची की कहीं भी शादी नहीं हो रही हुई, उससे मैं इसका ब्याह करा दूंगा। हमारी 1000 रुपए फीस है। 1000 फीस है जी, 1000 रुपए हमारी फीस है। ये फीस रखो और इनका टेलीफोन नंबर लिखो। टेलीफोन नंबर? जी हाँ टेलीफोन नंबर लिखो इनका। नंबर लिखाओ भाई, नंबर लिखाओ। मेरा फोन नंबर लिखे, लिखो 4-6-4-6-5-7-5-7। छोटी है बड़ी है? ये कैसा नंबर? अबे किसी मदरसे का नंबर है क्या? घर का नंबर है भाई, घर का नंबर है। 5-7 है, छोटी है बड़ी है? चलो ठीक है ठीक है, नंबर लिख लिया, एक्सटेंशन भी लिख लीजिए प्लीज इसके आगे। लिखाएं लिखाएं 437 437 5-8। अब बकवास है भाई, 5-8 कैसे लिखते? अबे 7 रुपए 12 ने लिख ले यार, खुदा माफ चिरिया कर दिया भाई इन लोगों ने। ठीक चलो भाई ठीक है, रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह, बच्चा ले जाओ देखभाल के, और हफ्ते में 2 दफा इसे धूप दिखाया करो, बहुत अच्छी बात। हाँ ताकि इसमें कोई तरोताजगी पैदा हो। फोन जरूर करना भाई। हाँ जी हाँ जी, चलो चलो शाबाश। पार्टी अच्छी थी भाई। अबे क्या खास पार्टी थी मनोज, लाओ पैसे दो। तुमने चीटिंग की है? नहीं बस, और आंदा यार इसको तो कभी रिश्ता भी नहीं कराना, किसी की बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ यार कम्बा का तुम्हारे। एल्बम लाओ एल्बम लाओ, एल्बम दिखाओ एल्बम दिखाओ, फोटो देखिए फोटो देखिए फोटो देखिए, क्या खूबसूरत लड़के की फोटो देखिए फोटो देखिए। ये साइड पोज था, फ्रंट पोज देखिए, खूबसूरत तस्वीर है, बेहतरीन जिंदा तस्वीर है, नेगेटिव पे कोई एतबार नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। मैं बात नहीं सुनता। मैं यहाँ रिश्ते के लिए नहीं आई। अच्छा मैं समझ गया, आप टाइम पास करने के लिए आई हैं। तो काहे के लिए आई आप? मैं एक रिसाले में आर्टिकल लिख रही हूँ। ओह ओह लिखत वाली है, अच्छा माफ कीजिएगा मैं आपको गलत समझा। हाँ भाई वो चलो भाई लाओ कोक, लाओ वो तो कल मैंने परसों कोक छोड़ी दी, आधी कहाँ है वो? खत्म हो गई। खत्म हो गया कोक तो हम लोग पीते ही नहीं है, पीते भी नहीं। कोक तो हमने बायकॉट कर दिया, यहूदियों की कंपनी है ना, मुसलमान तौर पर बायकॉट। कोक नहीं पीता, पाकिस्तानी में शुरुआत, गन्ने का रस गड़िम बड़ुम बड़ाम। हाँ भाई वो चाय, भाई चाय पियेंगे कोई? नहीं प्लीज, चाय चाय छोड़ी थी, चाय वो धूप में रखी थी पिघल गई, चाय
अच्छा बेटा वो मोम में पकाई थी चाय? कोई बात नहीं। अच्छा आप वो कुछ पियेंगे? जूस? कोई बात कोई जूस नहीं, नहीं नहीं क्या बात है? नहीं जूस वगैरह नहीं, एनीथिंग नहीं, कोई जूस? ठीक है तो जाए फिर पी के आ जाए, हम लोग यही है। क्या हुआ? मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मुझसे सवाल अगर आप प्लीज सवाल करें। पहला सवाल ये है कि हमने सुना है कि शादी दफ्तर वाले फ्रॉड करते हैं। शादी दफ्तर वाले फ्रॉड करते हैं? ये आपसे किसी ने बदतमीजी? तुमने कहा ये फ्रॉड करते हैं? तुमने बताई ये बातें? नहीं नहीं, बातें करता लड़की उधर? मैंने कहा मुझे पहली दफा मिली है। आप बताइए क्या किसने कहा फ्रॉड करते हैं? हम तो वही करते हैं जो वालदेन की मर्जी होती है, आपस में मीटिंग कराते हैं, हम तो सिर्फ कमीशन लेते हैं। हम तो बड़े बड़े रिश्ते कराते हैं। देखिए आप श्रीदेवी का रिश्ता मैंने करवाया था पहला, मधुरी के चक्कर रिश्ता करवा रहा हूँ, मेडोना भाभी सबके रिश्ते में करवा रहा हूँ। मेडोना भाभी का भी देखिए, वो देखिए रेखा भाभी, रीमा पता नहीं भाभी है कि नहीं। अच्छा शादी हम सब रिश्ते करवा रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े रिश्ते करवाए मैंने। हाँ एलिजाबेथ टेलर की 8वीं शादी हमारी वजह से हुई है। हाँ हमारी वजह से हुई है। अच्छा और हमने ये भी सुना है कि आप लड़की को ये कहते हैं कि हम आपकी शादी अमेरिका में करवा देंगे। हाँ लेकिन आप उनकी शादी यहीं कहीं चिचा वतनी में करवा देते हैं। किसने कहा आपसे? ये लड़कियों के माँ बाप का एक बहुत बड़ा फॉल्ट है कि वो उस वक्त रिश्ते के लिए निकलते हैं जब लड़की की उम्र हाथों से निकल जाती है। उस वक्त रिश्ते के लिए, उस वक्त तक वो घर में बैठ के आइडियल का इंतजार करते हैं, जापान से आ जाए, इंग्लैंड से आ जाए, अमेरिका, जब कहीं से भी नहीं आता फिर निकलते हैं कि चलो ढूंढे। जब ढूंढने के लिए आते हैं तो नतीजे एकदम जल्दी करते हैं, जल्दबाजी के अंदर वो बाहर के रिश्ते मांगते हैं, उसमें गलतियां हो जाती है, इसमें हमारा कसूर नहीं है, माँ बाप का कसूर है। ठीक है मैं आपकी बात पे उस वक्त एतबार करूंगी जब मेरी शादी अमेरिका में करवाएंगे। क्यों नहीं भाई, मैं जान सर धड़ की बाजी लगा दूंगा, और अमेरिका का रिश्ता नहीं आया तो मैं खुद अमेरिका जाऊंगा, अपना रिश्ता भेजूंगा। हाँ क्या? अपनी बात निभाने के लिए भाई, ऐसी क्या बात? अच्छा आप ये बताइए कि मैं कब आऊं? आप कभी भी ना है? आप कब आए? आप कल आ जाए? कहाँ? रिवाली सिनेमा। रिवाली? हाँ वहाँ आ जाए, फिर वहाँ से चलेंगे। कहाँ? किसी अस्पताल में। अस्पताल? अबे हाँ मुलाकात के लिए अस्पताल बेहतरीन है, हड्डी वाट के बाहर बैठ जाए पट्टी बांध के। किसी को नहीं बोला पड़ता, लोग तो बच्चे मिलने के लिए आ रहे हो, बड़े वाले बड़े क्यों कर के लिए। अच्छा ठीक है बाय बाय बाय, जाओ बहन को रिक्शा कराओ। बहन? अबे हाँ बदतमीज, जब बाहर कौन बदतमीज, हमारे अलावा देखो देखो मोहल्ले में कौन आया भाई नया? ये यार ये तो वही क्रिकेटर आया पिछले साल जिसकी शादी नहीं कराई थी हम लोगों ने। हाँ बुलाओ, कहाँ बुलाओ? आ जा भाई आ जा। आपको शर्म नहीं आती? आप इस किस्म की वाहियातियां कर रहे हैं आगे? अब क्या मजा आएगा यार, वो चली गई, अब धक्के देके बाहर निकाल देना, चल जाओ। चले मेरे साथ चीटिंग हुई है, तुमने मुझे वो बीवी दी है? अबे हमने तो तुझे बीवी दी थी भाई। अबे इससे अच्छा तुम कलर टीवी दे देते, कम से कम देखता तो रहता। हाँ सही बात है, किराए पे भी चला सकता आदमी। अब क्या हो गया? अरे यार वो बीवी है मेरी। अच्छा पहले मैं क्रिकेटर था। हाँ कहती थी मैं तुम्हारी फैन हूँ। हाँ अब कहती मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ, बहन हूँ। हाँ क्या बोलती है वो? वो कहती है मैं मार्शल की फैन हूँ, गार्नर की फैन हूँ। बताओ तो क्या हुआ यार, फैन तो किसी का भी आदमी हो जाता है, उसमें क्या यार? अबे नहीं यार। हाँ चलो यहाँ तक तो सही है। हाँ अब मैं तुम्हें एक वाक्य बताऊँ। क्या? अभी परसों, हाँ परसों मेरे यहाँ बच्चा हुआ। इसमें हम पे क्यों गुस्सा हो रहा है भाई, क्या बात है? हम पे गुस्सा होने वाली क्या बात है यार, तुम्हारे घर बच्चा पैदा हुआ ठीक है, मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहा है? हम पे गुस्सा हो रहा है यार, बात नहीं गुस्सा हो रहा है तो खुशी की बात है, खुशी से सुनाओ। अबे तो मैंने तो इतला दी है, तो इतला ऐसे देते हैं गुस्से में? अच्छा मेरे यहाँ बच्चा हुआ है। वो खुफिया हुआ है? खुल के बात करो, बच्चा हुआ है, हंसो, मेरा बच्चा हुआ है, ऐसे बोलो, मेरा बच्चा हुआ है। बड़ा छिचोरा बच्चा हुआ भाई। अबे कहीं तो दिख जाओ यार। चलो बच्चा हुआ बस सही है। रोंदी शक्ल हुआ गंबा। अरे भाई बच्चा हुआ आके तो सुनो। मैंने कहा मैं इसका नाम रखूंगा, मैं इसका बाप हूँ। मैंने कहा मैं इसका नाम रखूंगा मुर्सलीन। उसूल की बात है, कितना प्यारा नाम है मुर्सलीन। बहुत प्यारा नाम। कहती तू नहीं रखेगा इसका नाम, फिर वो रखेगा मुशी। मुशी कौन है? मार्शल। मार्शल को कह रही मुशी, मुझे कभी नहीं कहा प्यार से ऐसे। हाँ यार ये जाती वाली बात। मैंने कहा वो कह रही इसका नाम मार्शल आके रखेगा। मैंने सोच लिया उसका नाम। क्या? उसका नाम मैं रख दूंगा मार्शल। क्या फायदा होगा? लो इस तरह वो उसका बेटा हो जाएगा। इन तुम्हारी बीवी को भी तो काफी मतलब हो जाएगा, वो भी तो प्यार करेगी मार्शल।
भी तो देखो ना फिर घर में। अबे तो क्या करूं, मेरा नाम रख दे। हाँ तो तुझे भी तो करेगा। मैं तो घर का आदमी, मुझे तो समझा भी सकते हो तुम लोग यार। नहीं बस मैंने सोच लिया, ये बच्चा बड़ा होगा खुद अपना नाम रख लेगा भाई। ठीक है ये बच्चा खाली जाने दो यार। ठीक है ठीक। अबे यार मेरी शादी करा यार दूसरी यार। ओए मैडोना ले दो ना। मैडोना से भी तो पूछना पड़ेगा उसे ये भगोना पसंद है कि नहीं। मैडोना ख्यालात देखो कितने आला है, जहाँ वीजा लेके जाना पड़ता है इनके मुल्क में। अरे छोड़ो मैडोना को, मेरी दूसरी शादी कराओ, मैं उसको तलाक दूंगा। हमारा दिमाग खराब हो गया, तलाक दोगे? कितना आसान समझा हुआ आप लोगों ने लफ्ज तलाक। इसके असरात का पता क्या क्या? अबे बेवकूफ आदमी, मियां बीवी उस गाड़ी के दो पहिए हैं और बच्चे उस गाड़ी के मुसाफिर हैं। अगर गाड़ी का एक पहिया भी निकल जाए तो गाड़ी रुक जाएगी और मुसाफिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। हमें तो उन्हें उनकी मंजिलों पे पहुंचाना है, गाड़ी को रोकना नहीं है, चलता रखना है ताकि वो अपने मुकाम पे पहुंचे। जाओ घर जाओ और अपनी बीवी की अपनी माँ बहनों की तरह इज्जत करो। चलो जाओ। नहीं मतलब उसकी इज्जत करो। करूंगा। एक बात है। हाँ तुम्हारी बात मेरे दिल को लगी है। ठीक है लेकिन तलाक फिर भी दूंगा। ठीक फिर भी तलाक। ये ढीठ आदमी है, इसको जाने दो। ढीठ आदमी। मेरी बात का माइंड मत करियो। क्यों क्यों? मैं पागल हूँ। यार बड़े वाहियात लोग आ गए भाई, अल्लाह माफ करे यार। मैं अभी फीस लेके आया। ये है कौन पागल? मुझे क्या पता कौन है। आप मुझसे कह रहे हैं शादी कर ले? हाँ नहीं नहीं आप अभी ऐसी जल्दबाजी मत कीजिएगा, आप पहले एल्बम देख लें। एल्बम देखें? एल्बम देख एल्बम है एल्बम। लड़का तो देखो इधर से आके देखें, साइड पोज देखे लड़के का, बहुत प्यारा लड़का है, फ्रंट पोज भी देखा है। प्लीज आप मेरी बात तो समझिए। बात तो समझा रहा हूँ मैं आपको, खुलेआम एल्बम दिखा रहा हूँ। देखिए मुझे तो एक आइडियल की तलाश है। अच्छा आपका कोई आइडियल है? जी आप हमें बताएं, हमारे पास सैकड़ों लड़कों की तस्वीरें, हम आपका आइडियल ढूंढ देंगे। मेरा आइडिया है लंबा कद हो। लंबा कद हो? आपने ट्यूबलाइटें चोरी करवानी। मेरी बात समझिए, लंबा कद हो, बिनाई कमजोर हो, एक बाजू कटा हुआ हो, एक टांग भी टूटी हुई हो और घिसट घिसट के चलता हो और दांत आपस में लड़ रहे हो और जबान वो बोले जो किसी की समझ में ही ना आए। मैं समझ गया, आप पाकिस्तान से शादी करना चाहते हैं। पाकिस्तान से? अबे हाँ, सारा नक्शा अपने मुल्क का बताया, एक बाजू कटा हुआ, घिसट घिसट के चल रहा है, बिनाई कमजोर है, दांत आपस में लड़ रहे हैं, जबान समझ में नहीं आ रही, सारा अपना बना बनाया अपना मुल्क है यार। ओहो देखिए मुझे शादी नहीं करनी। आपने मजाक करना कोई? मेरी बात समझिए। हाँ मुझे शादी नहीं करनी फिर? मुझे तो एक इश्तिहार बनाना है भीख मांगने के खिलाफ। अच्छा भीख मांगना बुरी आदत है, ये आपने पब्लिक को बताना है? जी। हाँ यार भीख मांगना तो बहुत बुरी आदत है यार, ये लानत खत्म होनी चाहिए। बहरहाल आपको जैसा लड़का चाहिए ऐसा ढूंढने का बहुत मुश्किल होगा, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको ऐसा बना दूंगा इंशाल्लाह। मुझे आपके लिए तैयार करूंगा ये लड़का। अच्छा ठीक है ठीक है, ये मेरा कार्ड है, आप मुझे रिंग कर दीजिए। जी मैं आपको फोन करूंगा, मैं आपको बहुत टेलीफोन करूंगा, मेरे दोस्त भी करेंगे, रातों उठ उठ के फोन कर रहे हैं। आप हंसते बहुत अच्छे हैं। वंस मोर? अच्छा चलो आप अगर रिक्शा कराओ, इस तरह ये पीछे नहीं आता इसकी आदत। बाबा अच्छी लड़की थी यार। अरे यार अल्लाह का माल है, हमारा क्या है। इसीलिए तो तुमसे कोई चालान नहीं होता, तुम्हारा तो अपना चालान होना चाहिए। पी पी पाम पाम सलाम अलैकुम। बाप जल्दी बात करो, पीछे 3246 आ रही है। मैं रिश्ते के लिए आया हूँ। रिश्ते के लिए? हाँ रिश्ते के लिए आया, तो आप अपना आइडियल बताइए, अपनी चीज बताइए, अपना को मुकाम बताइए, अपना ओहदा बताइए, कब शादी करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं और शादी क्यों कर रहे हैं आप? बस ऐसे ही कर रहा हूँ जी। शादी लड़की इस किस्म की होनी चाहिए, उसमें 5 खसूसियात होनी जरूरी है लड़की में। जी नंबर 1, हाँ लड़की ओवरटेक ना करे, ओवरटेक ना करे, डिपर देती रहे, हॉर्न सही हो और टोकन पूरे हो। माशाल्लाह मजदा से शादी कर ले तू, चल तेरा दिमाग खराब है। कोई शादी के मतलब कोई गाड़ी से शादी करने आ भाई।
خدا کو مانو بھائی شادی کے لیے تو خاندانی رشتے ہوتے ہیں, آپس میں والدین سے میٹنگ ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے. ہمارے یہاں شادی میں 500 روپے فیس ہے پہلا تو یہ بات ہے, پھر آپ کا فارم بھرا جائے گا, پھر والدین سے میٹنگ ہوگی, پھر شادی ہوگی. ٹھیک ہے جی, 500 روپے فیس دیں. چلیں ڈل نہ کریں. ویری گڈ, لو بیٹا اس میں 10 روپے کی نیاری بھی لے آنا. چلو چلو, آیا اس میں اتنی چیزیں رکھی, میں ناری بھی لے لو. اچھا جی, کب آؤ سر؟ آپ ایک ہفتے کے بعد آئیے گا. پی پی پاپا, السلام علیکم. ٹیڑی پاپا, نکل لو. چلو چلو, بتاؤ رشتے کے لیے آ گئے, کھلے عام ہی آ گیا. لڑکی آئی ہے فورن کی ہے, لڑکی باہر ممالک سے. کہاں سے؟ باہر ممالک. کیوں رہتا ہے؟ کیا بات ہے, سیدھا کھڑا ہو, سیدھا کھڑا ہو. کیا بات ہے؟ وہ لڑکی آئی ہے فورنر. فورنر؟ اندر لاؤ یار, رشتے کے لیے ہے نا, لاؤ. فیس آئی ہے اللہ کا طرف سے. بڑی انگلش انگلش بولی ہے, انگلش بولی ہے. انگلش؟ ابھی تو میں کیسے بات کروں؟ تو فکر نہیں کر, میں کر لوں گا بات. تجھے انگلش آتی ہے؟ کب بول کے بول کے بتاؤں؟ ہاں بول. اے واٹ از دس ڈومیسائل؟ ڈومیسائل کیسی بولی؟ واہ, شناختی کارڈ. اور کوئی کاغذات چاہیے؟ پورے کر دوں فائل. بلاؤ لڑکی کو. ڈومیسائل انگلش بول. ہائے, ہاں ہائے ہائے ہائے. یہ شادی کا دفتر ہے؟ نہیں, یہ پیٹرول پمپ. This is marriage bureau. Really? Yeah. So I want to get married. You want to get gate married? You marriage ke gate nahi banate, unka pata pooch rahi. No. Yeah yeah, marriage gate. Yes, I know. Salim gate mein kar riya ya. Nahi nahi, aap samjhe nahi. Yeah yeah. Main to, I'm coming from America. And I have green card. I have green card. Green card. mere father ka bahut bada villa hai امریکہ میں, اور ہماری لیدر گارمنٹ کی فیکٹری ہے, اینڈ پلس دی گرین کار, اینڈ یو نو دی ویلیو آف گرین کار ان پاکستان. یا 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 یا, ہیپی ہیپی. یا چھوٹی سی ملاقات, پیار بن گئی. واٹ نانسنس. نو نو نانسنس, ایٹ نظام الدین نانسنس. نانسنس کے تمبو صحیح نہیں ہے, سراغ ہے ان میں. تمبو؟ شادی کے لیے تمبو کی بات کر رہی ہے نا؟ یا یا مینو جی, نہیں یہ شادی کا دفتر ہے, میں شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ شادی کرنا خود چاہتی ہیں؟ یس. او یس, تو پھر انگلش میں بات کریں نا, اس میں کیا ہے, اللہ کی بڑی دین ہے. آپ کے پاس گرین کارڈ بھی ہے؟ یا. ہرے رنگ کا؟ ہرے رنگ کا ہی ہوگا نا وہ گرین. گرین مانے ہرا. گرین کار ہے, میرے فادر کی لیدر گارمنٹ کی فیکٹری, بہت کچھ ہے, اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس. اللہ کا فضل ہے؟ فضل کو بلاؤ سامنے والے, فضل نہیں ہے. ایکسکیوز می جی, I want to get married, I told you. told me, told. Stool. یہ شادی کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ جاہل, جب تم لوگوں کو انگلش نہیں آتی تو کیوں بولتے ہو؟ جاہل ہو تم لوگ. میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ شادی کرنا چاہتی ہیں, آپ کے پاس گرین کارڈ بھی ہے, اور آپ امریکہ میں رہتی ہیں, اور آپ کے فادر کی لیدر گارمنٹ کی فیکٹری ہے, تو آپ اچھا یا تو آپ یہاں شادی کیوں کر رہی ہیں؟ آپ کو کس کی بد دعا ہے؟ لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں, آپ یہاں آ رہی ہیں. میں بتا دوں آپ کو سچ؟ ہاں مجھے سچ سچ بتائیں, آپ کو شادی کرنی ہے, آپ مجھے ہر حالات صحیح بتائیں, کیونکہ ہمیں لڑکے والوں کو ساری باتیں بتانی پڑتی ہیں. بات یہ ہے کہ نہ تو میرے پاس گرین کارڈ ہے, اور نہ میں امریکہ سے آئی ہوں, اور نہ ہی میرے فادر کی لیدر گارمنٹ کی فیکٹری اور ویلا. تو آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا, اور وہ بھی مجھ سے جس کا 12 مہینے یہی کام ہے؟ میں تو اسی ملک کی ایک سیدھی سادی سی لڑکی ہوں, مجھے ماڈرن بننے پر مجبور کیا تو اس معاشرے کے ان لوگوں نے, جنہیں جہیز میں انگریزی بولنے والی لڑکی اور کروڑوں روپیہ چاہیے. میں نے آپ سے گرین کارڈ کا جھوٹ بولا تو صرف اس لیے کہ شاید اس طرح میرے نصیب کے کارڈ پر لفظ سہاگن لکھا جا سکے. مجھے بتائیے, جواب دیجئے, کیا قصور ہے مجھ جیسی ان ہزاروں لڑکیوں کا جن کے پاس گرین کارڈ نہیں ہے؟ اور اگر ہمارے پاس گرین کارڈ نہیں تو ہمیں یلو کارڈ دکھا کر نکال دیجئے. دیکھیے آپ کا مسئلہ بڑا بہت ہی گہرا مسئلہ ہے. اس مسئلے میں سب سے بڑی پہل جو ہے وہ نوجوان نسل کر سکتے ہیں, اگر وہ بغیر جہیز کے شادی کو ذریعہ آمدنی نہ سمجھے بلکہ ایک انسان سمجھ کے لڑکی سے شادی کریں تو شاید ان تمام مسائل کا حل ہو سکتا ہے. دوست, کیا تم بغیر جہیز کے شادی کرنے کی اس رسم میں پہل کر سکتے ہو؟ ہاں.
मैं पहल करने को तैयार हूँ। तैयार हो तो फिर ठीक है, मैं भी इसे अपनी बहनों की तरह रुख्सत करूंगा और जो भी साहिब हैसियत होने की दे सकता हूँ इसे जरूर दूंगा। आओ मैं तुम्हारे कागजात बनवा दूं। आइए आप मेरे। खबरदार, तमीज से, कौन है आप? अपने काम से काम करो। जो क्या है? हाँ मान साम, हाँ चले। अबे क्या है वो बात? ये है कि वो ना सारी नाले किस किस्म की भाई? तू और है बात में चल। ये है साहब जी कि मैं ना आपसे कितने दिनों से बात करना चाह रही थी, मगर आप मेरे साथ इधर इतने लोग आए रहते हैं ना, कोई टाइम ही नहीं मिलता आपके पास ना बात के लिए, तो आप थोड़ा सा टाइम निकाले ना मेरे से बात। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, वो असल में शादी शुदा हूँ ना, हिम्मत नहीं पड़ रही। साहब जी मैं भी शादी करना चाहते जी। मैं अभी नहीं कर सकता, मेरा हाथ तंग है, माली परेशानियां हैं, दफ्तर सेट नहीं हुआ अभी। पर साहब जी मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर किसके साथ? साहब जी मेरी भी कोई तमन्नाएं हैं, कोई आरजुएं हैं, कुछ समझ आई आपको? हाँ मुझे समझ आ रही है। साहब जी मैं ना वो जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं ना डायरेक्टर, उनके साथ शादी करना चाहती हूँ जी। फिल्म के डायरेक्टर के साथ? क्यों? बात ये है कि अगर ना फिल्म के डायरेक्टर के साथ मेरी शादी हो गई ना, हाँ? तो वो ना मुझे फिल्मों में हीरोइन ले लेंगे। अच्छा तो फिल्में अपने घर में चला के देखेगी तू? हीरोइन आई जी? नहीं, सारी दुनिया कहती है मेरी शक्ल ना बाबरे शरीफ से मिलती है। अच्छा बाबरे तो अपने घर वालों से नहीं मिलती, तेरे से शक्ल मिलती है। तेरे मां दिमाग खराब है बाबरे? नहीं मिलती। अबे नहीं मिलती ना? नहीं मिलती। नहीं मेरा कद तो मिलता है। कद मिलने से कोई किस्मत तो नहीं मिल जाएगी। बाबरा शरीफ अपनी अदाकारी से ऊपर आई है और डायरेक्टर से शादी करोगे, तुम्हारे में वो फन वन है? हाँ मैं तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊं। आप मुझे एक्टिंग करके दिखाओ, मैं डायरेक्टर का कोई रिश्ता होगा तो आपकी शादी करा दूंगा। हाँ? सच्ची? हाँ? अच्छा मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? जरा एक्शन बना के आती हूँ। मैं लड़ गई, मैं बर्बाद हो गई, मुझे बचा लीजिए। अबे मेरी बीवी आ जाएगी, मुझे बचा लीजिए। अब्बा हुजूर, कमबख्त मारी, सारे सपने चकनाचूर कर दिए, एकदम ही मुंह खोल के कह दिया अब्बे। इस तरह तो कोई सगे अब्बा को नहीं कहता जैसे तूने मुझे कह दिया। वो तो फिर एक चानस और दे दीजिए। एक चानस की बजाय हम अब्बा अब्बा नहीं कहना, ये जिम्मेदारी नहीं लूंगा कभी मैं। ये मेरा वादा है, मैं आपको अब्बा कभी नहीं बोलूंगा। हाँ कभी भी नहीं बोलना अब्बा अब्बा, मेरी बीवी घर में। हाँ चानस एक और। हाँ ठीक है बोल, मैं आपको एक्टिंग करके दिखा रही हूँ। खुदारा मेरे बच्चे को गुंडे उठा के ले गए। अल्लाह आप बचा लीजिए, बचा लीजिए उन बच्चों को। आखिर उनका कौन है इस दुनिया में आपके सिवा? मैं कौन हूँ उनका? आखिर आप भी तो उनके मामू लगते हैं। अबे तूने सिर्फ मेरा ही ठेका लिया हुआ है। अब्बा मामू इन एरिया से बाहर निकाल मेरे को, ये एरिया मुझे सूट नहीं करते। अब्बा मामू फुप्पा चाचा इधर आगे निकलो, थोड़ा आगे मॉडर्न एरिया है, वहां जाओ। तो फिर मैं क्या करूं? अच्छा फिर ऐसा करें कि डायरेक्टर के साथ अगर शादी नहीं हो सकती ना, तो आप ना तवील शेख के साथ मेरी शादी करवा दीजिए। तवील शेख? वो लंबे से मुंह वाला लंबा।
अच्छा जो फिल्मों में हीरो है तवील शेख, वो जिसका मुंह शिवालिया निशान इधर नुक्ता भी लगा हुआ, उससे शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, उसके पास कहाँ टाइम है, वो तो इतना भूखे 95 तक शादियों में भूखे, वो तो खुदा का खौफ करो, वो तो कहीं इसका तो बिजनेस है ये शादियों का। तौबा तौबा तौबा, पागल हो गई तू, उससे शादी कर रही है? कोई और रिश्ता बोल, मेरे पास तो हजारों रिश्ते, तू जो बोल मैं करा दूंगा। बोल बोल। मैं ना वो सामने वाली क्लिनिक नहीं है, हाँ। उसमें ना पोछा लगाने जाती हूँ। क्लिनिक में? हाँ। अच्छा अच्छा, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा डॉक्टर है जी। अच्छा। उससे मेरी शादी करा दे। डॉक्टर से? डॉक्टर से। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया, डॉक्टर से शादी करिए पागल? डॉक्टर हो गया शादी में तस्वीरें नहीं जाती? तो? जी लड़ हम तो शादी करते हैं तस्वीरें दिखाते ना, डॉक्टर लोग एक्सरे मांगते, मेरी एक्सरे दिखाए, फिर गुर्दे पित्ते पथरी तो नहीं है, ये तो ये मुसीबतें हैं, फिर डॉक्टर साहब से शादी होगी, वो अलग पागल, वो डॉक्टर तो पागल है, वो तो हर बात में डॉक्टरी की बात करता है, वो तो शादी वाले दिन भी डॉक्टरी ही करेगा, कमबख्त मारा तेरा घूंघट उठा के भी कह देगा मुंह खोलिए लंबे लंबे सांस लीजिए, थर्मामीटर लगा दे तेरे मुंह में, बुखार चेक करेगा, दवा पिला दे, पागल हो गए शादी कर रहे तो। अच्छा, डॉक्टर से शादी करने में क्या बेवकूफ। शुक्र है मैं तो बच गई, मैंने आपको अपना इरादा बता दिया। वैसे मेरी नजर में एक और रिश्ता है, मैं ना कभी कभी वो है ना अदालत, वहाँ भी पोछा लगाने जाती हूँ, अदालत की सफाई करने जाती हूँ, बहुत जरूरी है। तो वहाँ ना एक वकील आता है, वो भी चंगे पैसे कमा लेता है, वकील से शादी करे? हाँ। तेरा दिमाग खराब है, ढूंढ ढूंढ के आदमी निकाले, वकील से शादी करेगी पागल, वकील भी है और बेवकूफ, वकील से शादी नहीं करनी तुमने। क्यों? तुम नहीं करो वकील से शादी, तुम ऐसे आदमी शादी करो जो तुम्हारे टाइप का हो, कोई और आदमी देखो, मेरे पास वकीलों का रिश्ते नहीं है। ओहो, तो मतलब कि क्यों नहीं कर सकती मैं? और नहीं ना पागल, वकीलों के मैंने अभी एक वकील की शादी करा दी, तलाक हो गई। हाँ, घूंघट उठा दे बीवी से, कह दिया जो कहोगी सच कहोगी, उसने सच कहा, सुबह तलाक दे दी कम बगल, इसलिए बोल रहा हूँ मत करो अभी। वैसे एक और रिश्ता मैं बताती हूँ। कौन सा? ये लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कौन? इनके पास बड़ा पैसा होता कौन? है। अगर हमारा भी दिल है कोई चंगी जगह शादी करे, चंगा लीड़ा पहने, मेकअप शेकअप करे, ज्वेलरी शूलरी पहने ना, तो मैंने उसके लिए एक रिश्ता देख लिया। कौन सा? कोई खूबसूरत सा लीडर ढूंढ दो। लीडर? लीडर? लीडर से शादी करेगी मर जाएगी पागल, और लीडर है शादी करेगा, शादी करके तुम्हारा शादी हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, दूसरे दिन बोलेगा निकल जाओ घर से बाहर, तुम बोलोगे क्यों, तुमने तो मुझे निकाह में कबूल कबूल कहा था, वो कहेगा वो मेरा सियासी बयान था, फिर क्या करोगे? अच्छा, पागल हो तुम, समझा करो भाई, ये सारे ऐसे होते हैं? अरे यार सब नहीं होते, बहरहाल ऐसे भी होते हैं। अच्छा, वो एक और मेरे ज़हन में आया, वो मैं सुबह 6 बजे झाड़ू देने जाती हूँ, वहाँ एक कांस्टेबल है, वो क्या नाम है, नीफा, नीफा जानते ना? अबे तो तेरे ज़हन में इतने रिश्ते हैं, तो खुद शादी कर ले, इसको खुद शादी कर ले कमबख्त। अच्छा, हाँ। तो किसी जूडो कराटे वाले से करवा दो। जूडो कराटे? हाँ। ताकि तेरा घूंघट उठाए और सुबह तुझे दफना दे, मुसीबत कमबख्त हमारी करवा दफा। अच्छा, वैसे एक बात बताऊं, फिर है कोई रिश्ता? हाँ, अब बोल जल्दी बोल। अब जल्दी बोल। मैं अपने मुंह से उनसे जाके तो नहीं ना कह सकती, ठीक है ना? अब कौन है? अब वो है, क्या कहते हैं, मैं पीटीएन टीवी देखती हूँ ना, उसमें बड़े बड़े पहलवान आते हैं, उनमें से किसी एक से शादी करा दो मेरी। पहलवान से शादी? हाँ। अब बेवकूफ, मैंने कराया था एक पहलवान का रिश्ता, उसने घूंघट उठाया, बोला हल कबड्डी 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 कबड्डी, और हाथ लगा के ऐसा भागा, आज तक वापस नहीं आया। बवाल हो जाएगा भाई, तुम्हें जब कह रहा हूँ बवाल हो जाएगा, समझे ना? तुम एक काम करो, तुम आती रहती हो ना? हाँ। आती रहो, इंशाल्लाह को रिश्ता मिलेगा, अच्छा सा मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा। लेकिन ये देख के आना का मेरी बीवी घर में ना हो। अच्छा, हाँ। तो मैं भी जाऊँ? ठीक, तो फिर आऊंगी। निकल लो, ठीक है? मेरी बीवी के आने से पहले। वैसे अपने बारे में भी सोचना, ख्याल बुरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक, बताओ मैं शादी कर रहा था मेरे चक्कर में मनोज, मारूंगा शादी दफ्तर खोल के पागल हो गया हूं मैं, हर आदमी अपना रिश्ता खुद ला रहा है इससे शादी। जी जी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। जी नहीं, मैंने नहीं पहचाना आपको। जी, मेरी बेटी का रिश्ता आप ही के दफ्तर से हुआ था, याद आया? अच्छा। आपको हजारों रिश्ते होते नहीं, मैं अब किस किस रिश्ते को याद रखूंगा जनाब? आपने कहा था कि वो बहुत शरीफ आदमी है, कारोबारी है। जी जी, लेकिन ये मेरी बेटी का खत आया है जेल से। जेल से? जी हाँ,
वो आदमी स्मगलर था, मेरी बेटी को हीरोइन से भरा ब्रीफ केस दे के खुद गायब हो गया। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला था? सिर्फ अपनी फीस के लिए, 400 रुपए के लिए आपने मेरी बेटी को भेंट चढ़ा दिया। नहीं जनाब, आप गलत समझ रहे हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम तो रिश्ते तय कराते हैं, अगर कोई आदमी स्मगलर निकला है तो इसके माथे पे तो नहीं लिखा होता जनाब। इसमें हमारा क्या कसूर, आप खुद सोचिए, हम तो सिर्फ रिश्ते कराते हैं। ठीक, कसूर तो वालदेन का है ना, जो आपके बहकाए में आके अपनी बेटियों को रुखसत कर देते हैं। मैं आज ऐसे ही वालदेन से कहना चाहता हूं कि मत आना इनके बहकाए में, ये शादी दफ्तर वाले स्मगलरों के एजेंट हैं, मुजरिमों के लिए काम करते हैं, इनके दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। मत आना इनके बहकाए में, वरना एक दिन तुम्हारे हाथ में भी इसी तरह बेटी का खत होगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। मत आना इन बेदर्दों के कहने में। अच्छा हुआ तू आ गया यार, वरना मेरा जमीर जाग जाता है। अरे मैं तो खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या? बोलो बोलो। साउथ अफ्रीका से शहजादी आई है अपने रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए? शहजादी? बुला यार, बुला शहजादी को। उनका सेक्रेटरी भी आया। अरे उनका तो कुत्ता भी लेके आओ यार। कुत्ता? लाओ लाओ सेक्रेटरी, बुलाओ। जंबुसाना अलीगानी मुजूरी। कौन है ये सब लोग? इश्क बाला इल्लहदीनी चुपन सभी गरी, इश्क बाला इल्लहदीनी चुपन सभी गरी, तील मल्ला इल्लहदीनी चुपन सभी गरी, तील मल्ला इल्लहदीनी चुपन सभी गरी। क्या कर रहे हो भाई तुम? ये कौन है? ये क्या लिया आवे अंदर? सेक्रेटरी है उनके। उनके सेक्रेटरी? वो खुद कहाँ है? सेक्रेटरी पहले आवे। भाई और बहनों, बिना के गीत माला में आपके लिए लाया हूँ अफ्रीका से एक हसीन तोहफा, और उसके साथ ही है एक हसीन धोखा, वो है हसीना 420 प्रिंसेस सांता क्रूसा। उन्हें तो लिया, गली में खड़ा किया हुआ क्या? एक मिनट, उनके बारे में आपको बता दूं, जिनके 600 से ज्यादा पानी के जहाज और 300 से ज्यादा तकरीबन हवाई जहाज और 600 से ज्यादा अरबी नस्ल के खूबसूरत घोड़े जो मैदान में पड़ाक 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 सरपट दौड़े। चुप कर भगोड़े निगोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उन्हें बुलाओ जो है। आएंगी वो, जरूर आएंगी, लेकिन उनके लिए होगा संगीत। बुलाओ ना। और संगीत के साथ होगा गीत, गीत गाऊंगा मैं, उसके बाद वो तशरीफ लाएंगी। देखो ये कौन आ गया, बनते नशा छा गया, कोई बहारो नजारो, उनके ख्यालों में खोए नजारो, देखो ये कौन आ गया है, टूटे हुए को मनाओ, राहों में कलियां बिछाओ, मेरा सनम आ गया। Ladies and gentlemen, a big hand for Princess Santa Cruza. Welcome to the back to pavilion. Princess Santa Cruza. Santa Cruzi. Cruza. Cruza. Yeah. Santa Cruza, आपको पाकिस्तान में मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपके माँ बाप आप पे कुर्बान, आप यहाँ तशरीफ लाएं, हुकुम कीजिए बंदे के लिए क्या है, कौन है, बोलो ना। रिम सिबर गुलम रित प्री सिबर जस्ट मिनट वर गिरम रात प्रूर समर आली प्री दिक रूमे सिबर बड़ी हिलू हिलू और इखे दिखे का फर्क दिखे का फर्क फर्क हिलू हिलू। अबे क्या पत्थर डाल के कनस्तर में गड़गड़ गड़बड़ कर रहे हो, ये कौन सी जबान है? ये हमारी एक अपनी जबान है। ओ या या, मिस सांता क्रूज़ा, वेलकम टू हियर। Thank you. So nice of you. So nice of you. आप हुकुम करें, आप कैसे तशरीफ लाएं?
हमने सुना था पाकिस्तानी मर्द बहुत ही वफादार होता है। पाकिस्तानी मर्द तो दुनिया में वफा में मशहूर है, उनसे बड़ा कौन मशहूर होगा वफादारी में? क्यों भाई? ऑफ कोर्स। इसलिए हम पाकिस्तान आया, इस वास्ते हमने इधर का लैंग्वेज सीखा, इसलिए हमने इधर का कल्चर को अपनाया। हमसे जो भी शादी करेगा हम उसको अपना सारा दौलत दे देंगे। What a great princess! Shut up you! Please. और यार मैं जानता क्रोधा जो शादी करेगा सब दौलत दे देंगे। Of course. आपको किस किस्म का हस्बैंड चाहिए? हम को इस किस्म का हस्बैंड चाहिए कि जब हम बाहर से घर आए तो हमारे पीछे खुद्दे की तरह धूम हिलाता हिलाता चला आए। What an obedient husband! Shut up you! तो मैं सही हूँ? बुरा मत मानिएगा, भी नया नया कुत्ता हूँ ना, कुछ समझ नहीं आया। You are very handsome man. Yeah. हमारा दूसरा शर्त यह है कि अगर उसका कोई करीबी दोस्त है तो उसको फौरन छोड़ दे। आओ निकल जा बाहर। तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए मेरे गरीब दोस्त? जाओ दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। Very good. आप बोलो सांता क्रोध, आपके लिए पूरी दुनिया छोड़ दूं। हमारा तीसरा शर्त ये है कि अगर उसका कोई ब्लड रिलेशन हाई मेन खूनी रिश्ता हो तो उसको भी छोड़ दे। हेलो कौन है बे? मर जा तू, डूब के मर जा मनुष्य, लंबी वाली बस के नीचे आके मर जा। कौन था? मेरे अब्बा थे। योर फादर? हाँ मार दिया बड़े, छोड़ो यार दफा करो। हमारा आखिरी शर्त ये है, अगर उसका शादी हुआ है तो क्या हमारी खातिर अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देगा? अपनी बीवी को डाइवोर्स देगा, उसे दो थप्पड़ देगा, उसको हक मार देगा, उसको तका मार के बाहर निकालेगा, आपके लिए हम सब कुछ छोड़ देगा। सांता क्रोजा जी अपनी बीवी को छोड़ देगा? छोड़ेगा और बहुत दूर छोड़ के आएगा जहाँ से वो वापस नहीं आ सके। बीवी क्या चीज है? आप अल्लाह मेरी बातें सुनो, मेरी बात नहीं सुनेगी मैं तुम्हारी। मुझे पहले शक था, बहुत शक था जवान, बहुत ही डर की आदमी हो तुम, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, जाऊंगी मैं इस घर में अपनी मम्मी। मेरी बात खुदा के लिए रुक जा। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई बात भी, नहीं आऊंगी कभी भी नहीं आऊंगी। जाओ मेरी बात तो सुनो भाई। और भाइयों बहनों ये था प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, जो पहले पायदान। पायदान के बच्चे मैं आखिरी पायदान पे आ गया हूँ, मेरी बीवी को पकड़ो। जवाद में और भाभी में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ, भाभी शक करती थी कि जवाद ने शादी दफ्तर खोला हुआ कहीं दूसरी शादी ना कर ले, और एक दिन तो मौके में पकड़ा गया जवाद, मौके में पकड़ लिया। उधर मोहल्ले वालों को पता लग गया कि ये लोग चीटिंग करते हैं शादी दफ्तर की आड़ में, मोहल्ले वालों ने वो मकान से निकाल दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जवाद के ससुर ने भाभी को जहेज में ये बंगला दिया हुआ था, इसमें ऑफिस खोल लिया। लेकिन भाभी ने एक शर्त लगाई कि ऑफिस बदल दो। अब ये स्टेट एजेंसी का दफ्तर खोल रखा हम लोगों ने, मकानात के लेन देन का काम करते हैं। अल्लाह करे कोई ग्राहक आ जाए तो बस मजा आ जाए। और वो जवाद कितने पैसे हुए? 5,000 दे दे, जान से मार देता हूँ। क्यों आए हो चाचा? तेरा बाप चाचा कमीने चीटर लोग, चीटिंग करते तुम लोग। क्या चीटिंग करते? तुम्हारे पीछे मैंने 12 बस बदले। बस बदली? हाँ बस बदले, मैंने बस बदले, कोई कपड़े नहीं बदले। क्यों के बच्चे? असल में मसला हो गया, चीटिंग
آفس ہم نے یوں بدلا کہ بھابھی میں اور جواد میں جھگڑا ہو گیا تھا. بہت جھگڑا ہوا تھا. دعا کرو دعا کرو دعا کرو. اللہ کرے طلاق ہو جائے تو میں چانس لڑا ہوں. کیا بکواس کر رہا ہے یار؟ کیا بکواس کی کیا بات ہے یار؟ تم نے مجھے بیوی دی ہے یار. کیوں کیا ہوا یار؟ عجیب ہے میری بیوی یار. عجیب عجیب فرمائشیں کرتی میرے سے. کیا فرمائشیں کرتی؟ مجھ سے کہہ رہی ہے جاؤ پان لے کے آؤ لاہور سے. لاہور سے پان؟ ہاں وہ بھی پیدل. ابے تو تم اسے بتاؤ نہیں جہاز میں چلے جاؤ. نہیں بھیا جہاز میں نہیں جاؤں گا, مجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے. ابے تو مرنے سے کیا ڈرنا, موت کا ایک دن معین ہے. جس وقت تمہاری موت آنی ہوگی نا, جہاں بھی ہوگا آ جائے گی. اچھا موت کا ایک وقت ہوتا ہے؟ جب میرا وقت آئے گا میں مر جاؤں گا. چلو میرا وقت نہیں آیا, پائلٹ کا آ گیا تو. ہاں یار یہ بات سوچنے کی. میں تو حرام موت مر جاؤں گا بھیا, اسی لیے میں جہاز پہ نہیں بیٹھا. میں بڑا سیاح ہوں. اچھا مجھے بولتے نا وہ کہ بیوی میری جاؤ لاہور سے پان لے کے آؤ. میں لاہور سے نہیں لاتا, پھر میں دوڑ کے جاتا ہوں حیدرآباد سے لے آتا ہوں. اچھا حیدرآباد سے پان لے کے آ رہا ہے, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی یار. کیا؟ جیسے میں پان لے کے گھر پہ آتا ہوں نا تو میرے گھر پہ سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں. میرے یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. میرے خیال میں تم نے ڈیفنس میں شادی کرائی تھی میری. وہ کمبخت ہے ماڈرن پیتی ہوگی. ہاں یار میری شادی کرا دے یار. شادی کرا دے بھائی. شادی کرو گے؟ ہاں کس سے کرو گے؟ چل تو لڑکی سے کرا دے. ابے تو کیا لڑکے سے بھی کوئی شادی ہوتی ہے کیا؟ ہاں ہوتی ہے. نہیں نہیں اور کیا. کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے خود کرائی ہے. لڑکے سے؟ ہاں. کس کی؟ میری بہن کی. بہن کی ہوتی ہے نا. ہاں تو اور کیا, میری شادی کرا دے یار. دیکھو بھائی ہم نے یہ کاروبار چینج کر لیا, اب ہم مکانات کے لین دین کا کاروبار کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی مکان ہے تو کرایہ پہ چڑھا دیں گے ہم لوگ. مکان؟ ہاں بہت ہیں. نہیں نہیں وہ میں نے مکان ہی تو بنایا, کپڑے کہاں بنایا میں نے. اچھا میرے پاس چار پانچ مکان ہیں. چار پانچ؟ ہر مکان میں کمرے ہی کمرے. کمرے 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 ہی کمرے. کتنے؟ ایک ایک. ایک کمرے؟ ہاں اس میں کھڑکیاں بھی ہیں. کائے کے لیے؟ میرے کو جھانکنے کی عادت ہے نا. یہ تو مذاق کی بات ہے, لیکن ہمارے یہاں کوئی بھی فیملی آئی نا آپ کا مکان کرایے پہ سمجھو. کرایے پہ دے دینا. لڑکیاں ہیں تو بھیج دیو. مان لے لڑکیاں آئیں گی میں ان سے کرایہ بھی نہیں لوں گا, میں کرایہ خود دوں گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. ہلو. چلو کہہ رہو گراہک ہماری. اس نے کیا آپ کا بٹوا چھینا؟ نہیں نہیں بات تو سنو. تم تو وہی ہو جن کا پہلے شادی دفتر تھا. یو فراڈ. میرے پیسوں کا کیا ہوگا؟ کون سے پیسے؟ اچھا اس نے فیس دی تھی شادی کے لیے. ہاں تو کرا دو. نہیں یار ہم نے کام چینج کر لیا ہے. اصل میں ہم نے اب ہم مکانات کے لین دین کا کاروبار کرتے ہیں. آپ نے جو فیس دی تھی نا وہ اگر آپ کو کوئی مکان چاہیے اس میں شفٹ کر دیں گے. کیوں بھائی؟ اوہو آپ کی باتوں میں تو میں بھول گئی. کیا؟ وہ میری بہن باہر کھڑی ہے, آپ اسے اندر بلا لیں. بہن کھڑی ہے آپ کے پاس؟ ہاں. ارے اندر بلا ہے, باہر سورج نکلا ہوا بھائی, گرمی پڑ رہی ہے. کون ہے بہن؟ ہلو. ارے کیا جانتی ہے, غلط چٹیاں باندھ کے آ گئی. تمہارے گھر میں شیشہ یوں لگا ہوا ہے کیا؟ ہماری مرضی. ہماری مرضی. ابے تو اندر جا. اندر جا لڑکیاں کھڑی ہیں اندر جا. لڑکیوں کے سامنے ننگا منہ لے کے آ گیا. اے سنو تم پاگل ہو؟ نہیں ہوں تو کر دو گی. اے کتنی پیاری ہیں کم وقت ماریاں. آئے آئے اچھی ہیں بھائی اچھی ہیں. آپ کی تو بچی ہیں. ہاں میں نے سنا ہی نہیں. دیکھیں ہماری گراہکے نے تنگ نہیں کرنا ہے. ہائے ہائے. اوئے شادی کر لے اللہ اس کا اجر دے گا. اور اگر نہ کروں تو؟ تو میں کہیں اور ٹرائی کروں گا. کیوں؟ تو کر لے شادی. کیوں؟ مذاق میں کر لے, تیرا مذاق ہو جائے گا میرا گھر بچ جائے گا. کیا بولو؟ اور کیا مذاق مذاق میں شادی ہوگی, مذاق مذاق میں بچے ہو جائیں گے. اور کیا بچے گلی میں نکلیں گے لوگ کہیں گے یہ کیا مذاق ہے بھائی. کیسا مزہ آئے گا نا. یہ کیا مذاق ہے؟ ارے بیوی بولی. یہ کیا مذاق ہے؟ آہا چھوٹی بیوی بولی. ابے او بے او یہ کیا مذاق ہے؟ ارے بڑا سالا بولا. کیا اے اے تو اب آج 2.50 کا نوٹ ہے؟ ہاں میوا نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ میوا نہیں ایک دے دے. کیوں؟ مذاق میں دے دے. مذاق میں؟ ہاں تیرا مذاق ہو جائے گا میرا کام بن جائے گا. بس آج مذاق مذاق کھیلتے بڑا مزہ آئے گا. میں جادو دکھاؤں گا. تمہیں جادو آتا ہے؟ ہاں میں نے نا ٹوپی میں سے کبوتر نکالا تھا وہ اب جوان ہو گیا. ہاں اچھا تمہارے پاس 2.50 کے نوٹ ہے نا؟ نکالو نکالو.
अभी जादू दिखाऊंगा तेरे को। जादू? वो इतना प्यारा करता हूँ, एक मुझे दो। ये लो। हाँ, ये कितने हो गए? 100। तुमने मुझे कितने दिए? 50। कितने हो गए? 150। ये लो। कितने हो गए? 200। 100 तुम्हारे 100 मेरे। अबे ये कैसा हिसाब है? मैं ऐसे ही हिसाब करता हूँ जो समझ में ना आए। मैं कहती हूँ मेरे पैसे वापस दो। इसके पैसे वापस दो? क्यों? ऐसी मजाक में दे दे यार। नहीं यार, अब ज्यादा मजाक भी अच्छा नहीं होता यार। मैं तो उतना ही मजाक करता हूँ जितना बर्दाश्त हो भैया। शादी कर ले। शादी क्या? शादी कर। यार मुझे ले दे यार ये। अरे लड़कियों पे इतना जुल्म करते हो, बेचारियां कितनी मजलूम होती हैं ये लड़कियां। हाँ, मजलूम होती है लड़कियां। लड़कियां मजलूम नहीं होते, लड़के मजलूम होते हैं। नहीं यार, लड़कियां मजलूम। अबे लड़के मजलूम होते हैं बेचारे, स्टाफ पे खड़े रहते हैं दो दो घंटे तक भूखे प्यासे। और क्या, पेट अंदर जा रही है, पतलून नीचे आ रही, फिर भी खड़े, अब आएगी अब आएगी अब आएगी। वो नहीं आती, पुलिस वाले आते, कैसे खड़ा है? हम तो बहन के लिए खड़ा है। ये है मजलूमियत। अच्छा, और क्या, एक एक लड़के चार चार शादी करते हैं और बाद में पिटते भी हैं। इसमें क्या बात हुई? तो मजलूम है बेचारे। किसी लड़की को सुना, एक लड़की ने चार शादी की हो, फिर लड़के मजलूम है भाई। देखिए असल में ये हमारी ग्राहक है, इन्हें तंग न। ग्राहक है? हम तीनों मिलके लसबेला के पुल पे जुग्गी बनाएंगे, सैलाब आएगा, कितना मजा आएगा, सैलाब आएगा। सैलाब में रंग बिरंगी मच्छियां होंगी, ये मगरमच्छ भी होगा, और मैं ये केचवा भी होगा, जो सैलाब के माहौल को गंदा करेगा। और मुझे तो तैरना भी नहीं आता, इन्हीं को पकड़ूंगा। बगैरत लड़कियों का सहारा लेगा? सहारा लेते हैं, बकवास नहीं कर। हाँ शादी करा दो यार। अबे नहीं भाई, शादी वादी का कोई सिलसिला नहीं है, हमने मकानात की लेन देन का काम करते ना। मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। नहीं भाई, हाँ भाई इनको बताओ, बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। बहुत बड़े बाप? हाँ। कितने बड़े? 110 साल। 110 साल? हाँ, मेरे पास सोने की बिस्किटें हैं। हाँ। सोने की बिस्कुट? तुझे भी दूंगा। मुझे देगा? हाँ। सोने का बिस्कुट कैसे होते हैं? खा के सोता हूँ ना मैं तो, खा के सोते हो सोने का बिस्किट। इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से ना सरको। शेर बोला मैंने। इधर सरको उधर सरको, मेरे पहलू से ना सरको, अगर सरको तो यूं सरको, कलम कर दो इसके सर को। शेर सुनाया मैंने। बात सुन ले, मैं जा रहा हूँ, मेरी बीवी बहुत मोटी है, मैं उसको यहाँ भेज देता हूँ, ये दोनों वहां भेज दे। ये कैसे हो सकता है भाई? लो, जब 100 के नोट का खुला हो सकता तो औरतों का खुला नहीं हो सकता। और क्या, 100 का नोट दो, 2 50-50 का देते हैं ना। मेरी बीवी तो इतनी मोटी है, उसको लाऊंगा 5 मिलेंगी ऐसी। कितना सयाना हो तो ये 3 उधार कर लो। अबे अब तेरे पे इतबार है यार। बकवास कर रहा हूँ यार, ऐसी बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। एक शेर अर्ज किया है बको कि भाई मजा बरसात का लेना है। हाँ फिर मजा बरसात का लेना है तो गुसलखाने में जा बैठो। क्या बात कर रहा है शेर? मजा बरसात का लेना है तो गुसलखाने में जा बैठो, वो तो बरसों में कभी बरसेंगे, यहाँ तो नल खुलते ही बरस पड़ती है। कैसा शेर है? नहीं नहीं अच्छे। एक अच्छा शेर और सुनाऊं? अच्छा सुनाओ। पाकिस्तान बनाए एटम बम। ओए होए क्या बात की है। पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए। पहली दफा संजीदा बात की इसने कि पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए। पाकिस्तान बनाए एटम बम के दुनिया हिल जाए, या अल्लाह ये बेगैरत मर जाए तो ये दोनों मुझे मिल जाए। तुम लोग मुझे दलील कराने आई हो पितकनी हो? ये क्या पितकनी पितकनी कर रहे हो? अरे क्या चक्कर है, क्या काम है, क्यों आए हो तुम लोग? जी वो हमें मकान, हमें मकान, मकान। शट। एक मिनट ठहरे, तबला ले आऊं फिर बात करें। नहीं, दरअसल बात ये है कि हम दोनों बहनें और हमें एक कमरे का मकान चाहिए, वो भी किराए पर। तो मिल जाएगा मकान चाहिए ना? मिल जाएगा। तो मकान के सिलसिले में आपसे बात करेंगे, आपके मालिक से। अब मालिक भी आ जाएंगे, थोड़ी देर लगेगी मालिक को आने को। ठीक है, क्या ख्याल है जारा? मेरा ख्याल है कि जब तक मालिक नहीं आते
हम यहाँ बैठ के मैगजीन देख लेते हैं सारा। जब आप सारा मैगजीन देख ले थोड़ा सा मुझे भी दिखा दीजिए, मैंने फोटोएं देखनी है। मैंने मैगजीन को नहीं सारा कहा, इनका नाम है सारा, मेरा नाम है जारा। मुझे कहते हैं सलीम कुमारा। दूर फिटे मु तुम्हारा। मुझे लगता है मेरा आपके साथ हो जाएगा गुजारा। और सुनो, बच्चे पसंद है मुझे बारा, और हर बच्चा ऐसा जैसा अपना पहलवान था झारा। क्या ख्याल है तुम्हारा, तो तुरु तुरु तारा। ओहो, कितना बोलते हैं आप। ओहो, कितना समझिए आप। जाओ अपना काम करो बेवकूफ। काम करता रहूं, काम और क्या करूं। मैं कहती हूं अपना काम करो। अरे हमें काम करने की क्या जरूरत है। क्यों, हम कोई मजबूरी नौकरी कर रहे हैं इधर, हम तो शौक के नौकरी कर रहे हैं, वरना हमारे तो अपने जहाज चलते हैं। जहाज? हाँ, ये पीआईए किसकी कंपनी है। किसकी है? हमारी अपनी, हमारे बाप की। हाँ, बाप की? ये पीआईए किसके नाम पे नाम रखा है? किसके नाम पे? हमारे बाप के नाम पे। क्या नाम है? परवेज इलाही अब्बासी। आपने सुना होगा पिछले दिनों उड़ते हुए जहाज का ढक्कन उड़ गया था। हमारे ही जहाज था, जिस दिन जहाज का ढक्कन उड़ा दूसरे दिन मैंने जहाज ही भेज दी। भेज दिया? फिर तो आपको बहुत पैसे मिले होंगे। हाँ भाई, बहुत पैसे मिले थे, बहुत। थोड़े से कम थे, मैंने अपने पास से मिला के जूता खरीद लिया। जूता? चीजें खरीदते बेचते रहते ना हम लोग। अभी परसों डिफेंस वाली कोटी बेची है। क्यों भाई, मौजा भी तो होना चाहिए था ना। मौजा? हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ अपनी कार भी बेच दूँ। क्यों भाई? ये रुमाल दूसरा बदलवाना है। चीजें खरीदते बेचते रहते हैं। आपको मकान चाहिए? जी। मिल जाएगा, अभी शेर साहब आ जाए तो मिल जाएगा। मिस्टर जवाब कब आएंगे? अब आने वाले जवाब साहब। साहब, मेरी बातें कैसी लगी आपको? जी, बहुत जबरदस्त। जवाब। हेलो। ये तो वही लोग हैं भाई, ये तो पिछले दफ्तर में भी आते थे। क्या आप लोग कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रही है? जी? पिछले दफ्तर में भी आती थी ना शादी वाला। हाँ भाई, क्या हुआ, क्या मसला इनका? ये पार्टी मकान के। हाँ बोले जी, हमें एक कमरे का मकान चाहिए किराए पर। एक कमरे का मकान? ठीक है, एक कमरे का मकान हो जाएगा। एक कमरे में आप लोगों का गुजारा हो जाएगा भाई? तुम्हें इससे क्या, हम तीनों गुजारा कर लेंगे। अच्छा, वो मैंने कोई गलत कह दिया, मुझे समझाओ, मुझे डांटो। बदतमीज, सेठ को डांटता। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि अपना क्या नाम है, मकान आपको चाहिए किराए में। नो बात, तुम्हें काम करो, इधर आओ। तुम ये फाइल उठाओ, फाइल लेके जाओ, ये फाइल लेके जाओ, फाइल और खत। अबे ला जल्दी ना, फाइल लेके जाओ, खत उठाओ, खत लेके बाहर जाओ, इसको लेटर बॉक्स में डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो, फिर निकालो, इसमें कुछ नहीं, फिर से फाड़ देना। जाओ साहब, जल्दी जाओ, काम करा करो, काम करो, जल्दी जाओ। तो हमें मकान मिल जाएगा ना? जनाब क्यों नहीं मिलेगा? आपको मकान नहीं मिलेगा तो मैं लोगों के मकान रहने दूंगा? आपके लिए मकान ढूंढूंगा, तलाश करूंगा, तलाश करने से नहीं मिला फिर ढूंढूंगा। जी हाँ, अगर ढूंढने से भी ना मिला तो बनवा देंगे ये आपकी खातिर। हाँ भाई मनुष्य। मेरी बीवी है। अच्छा अच्छा। बेगम, आपकी नजर में कोई एक कमरे का मकान है? क्यों, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ क्या? आ गए तो पूछ लिया ना, कमबख्त मछली मुंह। मैं कहती हूँ चुपचाप अपना काम किए जाओ तुम। ओके, चुपचाप। आप ही ने तो कहा चुपचाप, आपने कहा मैं तो चुपचाप, मैं तो बोल भी नहीं दिया। तो हमें मकान मिल जाएगा ना? इस तरह क्या बन बन के बोल रहे हो बड़े भाई के सामने, बदतमीज। और क्या, बड़ा भाई? दुपट्टे कहाँ है तुम लोगों के? चल जेब में से दुपट्टा निकालो। कहाँ दुपट्टा? बदतमीज हो, तुमने दुपट्टे भी नहीं है भाइयों के सामने। देख रही है भाभी खड़ी है उनके सामने, इस तरह खड़ी हो। भाभी नहीं? हाँ। देखिए प्लीज, आप झगड़ा मत करें, आप हमारा फोन नंबर रख लें, मकान ले जाए तो जा कर दीजिएगा। या थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये फोन नंबर आप मुझे दीजिए। आप इन्हें दे दीजिए फोन नंबर, जैसे ही मकान मिलेगा, जैसे ही मकान मिलेगा ये मुझे इतला देंगे। मैं इन्हें इतला दूंगा, मैं आपको फोन कर दूंगी, मैं आपको फोन कर दूंगा, मैं फोन करूंगी। चलो तुम कर देना, मैं सुन लूंगा, मैं भी तो कुछ करूँ, दुनिया में आया हूँ खाली फिरू। अबे आ गया हूँ तो कोई काम करा लो मुझसे। क्यों जी? ठीक है, चलो मैंने घर तक छोड़ जाता, कोई काम तो करू। ठीक है, नहीं आ जाइए। अच्छा ठीक है, गुड बाय। बाय बाय। बात सुनो, हेलो, ये सर में से कोई चीज निकलना शुरू हो गई, बड़ी प्यारी चुटिया है। तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने फिर मेरे कारोबार में दखल दिया। ओ, तुम्हारे खानदान में कभी किसी ने कोई कारोबार किया है? खबरदार, मेरे खानदान तक पहुंची दो, मैं नहीं पहुंच पाया उन तक आज तक, पता नहीं कहां है वो सब लोग। मैं कहती हूँ जवाब, कमीज से बात किया करो मेरे साथ। कमीज से बात करो, तू मेरी फूफो? शादी से पहले तो बड़ी ए ए ए करके बोलते थे, अब कैसे
बोलते हो तुम? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। शादी से पहले कुछ, शादी के बाद कुछ और शय निकलते हो। अरे चुप करो, मरा दिया होता है। हम मर्द तो जन्नत के परिंदे हैं। परिंदे? और तुम्हें क्या पता मर्दों की बातें करती हो। अरे शादी के बाद तो मर्द फंसते हैं, औरतें तो आजाद हो जाती है कमबख्त। कैसे फंसते हैं? कैसे फंसते हैं देखो, औरतों की आजादी किस तरह आराम से बैठी और मर्दों ने बच्चों को गोदों में उठाया हुआ, देख लो अपनी आंखों। सुन लिया सुन लिया, फिर भी बच्चा लेके बैठा, ये नहीं वापस कर रही है। ऐसे लोगों ने मर्दों की नाक कटवाई, वापस नहीं कर रहे बच्चे, यूं ही लेके बैठे हुए। अब थोड़ी देर के लिए ही वापस दे दो, नहीं उनको पता है घर भी जाना है। अरे रहने दो, सारी औरतें जो है वो बावफा होती है और मर्द सारे बेवफा होते हैं। मर्द को कुछ मत कहना, ना मुंह के ऊपर दो चमाट पड़ेंगे तेरे। देखो जवाब, मर्द बेवफा होते हैं। अरे औरतें बेवफा होती हैं। कैसे? कैसे, मैं गया था परसों कैपरी में फिल्म देखने, फिल्म शुरू हुई अचानक बीच में स्लाइड आ गई कि वो औरत जो अपने मियाँ से छुप के किसी और के साथ फिल्म देखने आई है, बाहर आ जाए उनके मियाँ गेट पे आ गए। 10 मिनट में सारी औरतें बाहर निकल गई। मैं वही था, वही बैठा हुआ, देखा मैंने। तुम किसके साथ गए थे फिल्म देखने? मैं तो अपना क्या नाम है वो चिप्स वाले के साथ गया था। और क्या, चिप्स वाला ही होता, चिप्स वाली नहीं होती, समझ लेना ये बात भी। अच्छा बस रहने दो रहने दो, देखिए तुम्हारी वफादारी भी। शादी से पहले मेरे डैडी से कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी को एक अदद प्लॉट दूंगा। अरे कैसा प्लॉट दिया, सारा पानी निकल आया उसमें से। मैंने तुम्हारे बाप को पहले ही कहा था कि समंदर में प्लॉट है, कहने लगे दे दो मैं खुशक करा लूंगा। अब खुशक करा लो समंदर जाके। और हाँ, वो शादी वाली रात तुमने मुझे हीरे की अंगूठी दी थी, हीरा भी नकली निकला। तो तुम्हारे घर वालों ने नहीं कहा था घूंघट में चांद है, चांद निकला? कैसा चांद निकला, वैसा हीरा निकला। चांद तो देखो जापानी चांद कंबक। सब जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम्हें मुझसे इतनी सी भी मोहब्बत नहीं है बस। अरे चला मोहब्बत नहीं है, तुम्हें नहीं है मुझसे मोहब्बत, तुम्हें नहीं है। एक साल हो गया शादी को, आज तक तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो तुमने पूछा ही नहीं, प्यार से भी अच्छा सा नाम रख दूं? प्यार से नाम रख दूं? हाँ। मैं रखूं? हाँ। मोती। मानो, चलो मत मानो, क्या चीटा रख दूं तुम्हारा नाम? क्यों नहीं बोलती, तुम्हें तो प्यार से नाम रखना भी नहीं आता। बस जाओ, समझ गई तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, किसने कहा मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है? कैसे, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अच्छी तरह जानती हूँ मैं, सारी लड़कियों को लव लेटर लिखते हो, बस स्टॉपों के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हो, कॉलेजों के इर्द गिर्द घूमते हो, लव लेटर लिखते हो, सब पता है मुझे। अच्छा ही कमबख्त नेस्ती मुंह, तुम्हें क्या मतलब, मैं लड़कियों को देखता हूँ? हाँ। तो तुम लड़कियां नहीं देखती लड़कों को? नहीं। अच्छा ले, नहीं तुम लोग भी बड़े देखती हो। कैसे? कैसे सोबर तरीके से धूप का चश्मा लगा गई। हम जो लड़के हैं ना बेचारे, वो छिचोरेपन में मारे जाते हैं देखते के साथ ही। आए तुम लड़कियां हमसे ज्यादा देखती हो लेकिन तरीके से, समझ गई ना? बस नहीं बोलती। मैंने आज तक किसी को लव लेटर नहीं लिखा। लिखा है लव? ओह नो नो नेवर, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुम्हें एक बार लव लेटर लिखा है, सिर्फ तुम्हें। मुझे? और वो भी एक हफ्ते पहले जब तुम्हारी मेरी बातचीत बंद हो गई थी। वो मुझे लिखा है? और क्या, क्या लिखा है? क्या लिखा, मैं मुझे क्या पता क्या लिखा, मेरी हैंडराइटिंग गंदी है। कोई बात नहीं सुना दो। मुंह पे ही सुना दूं? हाँ। अच्छा। लिखा है? हाँ। क्यों लिखा है? मैंने लिखा है। हाँ? जान से प्यारी हाय गाय हमारी। इज्जे इज्जे की गलती हो गई। जान से प्यारी जान हमारी, कैंसर की बीमारी माँ तुम्हारी।
नहीं नहीं माँ माँ तुम्हारी सास हमारी, रब का शुक्र अदा कर भाई जिनने तेरी सास बनाई। वाह, दिल चाहता है डियर हाँ। तुम्हें जहाज में बिठाकर आसमानों पे उड़ू और कोई मुनासिब जगह देखकर तुम्हें धक्का दे दू। मेरा मतलब मैं धक्का दे दू, मेरा मतलब धक्का दे दू, हाँ धक्का दू और खुद पैराशूट बांध के नीचे कूदू और तुम्हें जमीन पे गिरने से पहले कैच कर लू। अल्लाह ने बचाया। और कभी दिल चाहता है कि तुम्हारा गला पकड़कर सोने के सेट का नाप ले लू। और कभी दिल चाहता है कि तुम्हें दुनिया दिखाऊं। और कभी दिल करता है कि तुम्हारे पैरों में बैठकर अपनी जन्नत ढूंढूं। मेरा मुंह से गलत निकल गया, मेरा मतलब है तुम्हें मैं फिर मैं मतलब तुम्हारे से शादी करूं, तुम्हें तलाक दूं, फिर तुमको तलाक करूं, फिर तुम्हें शादी करूं, फिर पता नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, मुझे पता था तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। यस, हालांकि मुझे पता था आप बहुत ही गरीब आदमी हो। और मैं तुम्हारे घर आटा मांगने आया। क्यों, तुम गरीब आदमी नहीं थे? तो तू किसकी बुश की बेटी है? मैं जैसे भी हूँ जिस बाप की भी बेटी हूँ, ये जो घर है ना, मेरे बाप ने मुझे जहेज में दिया है, जिसमें ये कमाल खाना ऑफिस खोल रखा है। ऑफिस भी तुमने खुलवाया ये प्रॉपर्टी का? मेरा तो अच्छा खासा शादी का दफ्तर कर लिया था, लाखों रुपए का मारा था मैं, तुमने वो दफ्तर बिकवा दिया, अपने घर में ले आई और घर में ही दफ्तर खुलवा दिया, मेरा कसूर है इसमें? बस जैसा भी है ये मेरे लिए महल है, महल महल के अंदर मुझे गुलाम मत समझो, समझ गई ना, मैं भी यहाँ इज्जत से रहूंगा। देखो जवाब, अपनी जबान को लगाम दो, हाँ बहुत हो गई है। लगाम की बच्ची लगाम की बातें करती है? नहीं बोलूंगी कभी भी नहीं बोलूंगी। जा नहीं बोलो, नहीं बोलूंगी, नहीं बोल, जा रही हूं मैं। जा जाती है मैं, मालूम है तो जाएगी बड़ी, यही रहेगी मनुष, कभी भी नहीं जाएगी। तो चली जाए तो और क्या बात है, और क्या चाहिए मुझे जिंदगी में, चली जाए तू कमबख्त, मैं तो छांट के रखी हुई है जहां शादी करनी है मैंने। ओ बेगम कौन है? ओ भाई एक कप चाय बना के भेजो। आवाज नहीं आ रही मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है। ठीक है तो फिर तुम एक कप चाय का बनाकर भेज दो। बदतमीज गुस्ताख शोर से चाय बनवाती है, बदतमीज, कपड़े धोता हूँ वो कम नहीं है क्या? मैं कहती हूँ जरा होश में रहकर बात करो। होश की बच्ची मैं तुझे टून लग रहा हूँ? तुम्हें शायद नहीं पता मैं सात भाइयों की अकेली बहन हूँ। मैं भी 14 बहनों का अकेला भाई हूँ। अरे चल चल, मेरा एक भी भाई आगे तो छुट्टी कर देगा तेरी। अरे जा जा, तेरे जैसे बड़े भाई देखे तेरे। कौन है आप? मैं हूँ भाई। ओ बीवी का भाई, निकल बाहर, निकल बाहर। आया था तेरा भाई, टक्के देकर निकाला तेरे भाई को, बदमाश बनते हैं अपनी तरफ से। अरे चलो, मैं कहती हूँ किस चीज की अकड़ है तुम में? अकड़ तुम्हारे में है, मेरे में नहीं है। अकड़ की बातें करती है, तुम फिर आ गए, निकल जाओ। काई की अकड़ है? कौन अकड़ है? अरे काई की अकड़ है तुम्हारे में? कौन अकड़ है? तुम अकड़ रहे हो इसलिए कि तुम सात भाई गुंडागर्दी करना चाहते हो है? कौन सा है? क्यों गुंडागर्दी कर रहे तुम? काई की गुंडागर्दी कर रहे तुम? ये क्या है? ओ खुला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई, समर समर गई, बना के आईना। क्यों मैं बदमाशी करता है? कौन बदमाशी कर रहा है? तुम बदमाशी कर रहे हो, तुम इसलिए सात भाई हो मेरी बीवी के, इसलिए बदमाशी करते हो? किसके बीवी का सात भाई? ये क्या है, ये क्या हुआ, ये मजदूर काम छोड़ के चले गए क्या? जवाब दो, ये क्या हुआ, ये तुमने जुओं के लिए ग्राउंड बनाया क्या है ये? जवाब क्यों नहीं देते, जवाब दो, वेस्ट इंडीज की बंदरिया, जवाब दो। क्या जवाब दूं? मैं आपके पास एक काम के सिलसिले में आया था। क्या काम है बताओ, मुदस्सर नजर काम बताओ। वो मुझे आपके मकान चाहिए है? मकान तो हम मकान लेने हैं? Yes. यार माफ करना, मैं समझा मेरी बीवी के है, मैंने मतलब मेरे साले हैं। I am sorry. दोस्त, जब कभी भी बाल कटवाओ फेंकना मत, इसमें से किसी भी बच्चे का स्वेटर बुना जा सकता है। तुम्हारे सर में से तो ऊन निकलता, तुम तो करोड़पति आदमी।
तुम मकान लेने आए? Yes. या किराए पे लेने आए? किराए पे मकान. Oh, you want to मकान? Yes, yes. Okay, देखो बात ऐसी है भाईजान कि मकान आपको पहले ये बताइए आप शादीशुदा हैं? नहीं. मतलब शादी नहीं हुई? अब तक शादी नहीं की? अब नहीं की तो कब करेगा? अब सेहरा तेरा बाप पकड़ के खड़ा होगा या कील से ठुकवाएगा, चिपकवाएगा, एल्फी लगवाएगा, क्या करेगा तू? क्या करूं? मैं कहीं भी जाता हूं रिश्ते के लिए तो लोग मुझसे पूछते मकान है. हाँ. और मकान के लिए जाता हूं. हाँ. तो लोग मुझसे पूछते कि बीवी है. हाँ. प्लीज बताइए मैं क्या करूं? आप क्या करें? आप पहले शादी करें. अच्छा. इसलिए कि छड़े छाटकों को मकान नहीं देता. अच्छा. मकान इसलिए नहीं देते छड़े छाटकों को, भी देखो आजकल दहशतगर्दी, गुंडागर्दी, किडनैपिंग, ये डाके वगैरह है तो लोग डरते हैं अकेले आदमी को मकान देते हैं. अब चाहिए फैमिली, और फैमिली के लिए जरूरी है कि आप शादी करें. अब छड़े छाट को मकान मिलता नहीं है. ये बराबर वाले दफ्तर में एक छड़ा छाट चक्कर लगा लगा के पागल हो गया. इतने चक्कर लगाए कि बराबर वाले घर में उसका चक्कर चल गया. अब वो वहां घर दमा देगा मगर. हाँ. ओहो, ये तो बहुत खुशी की बात है. है इसका मतलब ये उनके घर में कोई और भी लड़की होगी ना? हाँ हाँ, उनके घर में एक लड़की और कुमारी है वो भी. है? हाँ. उसकी उम्र कितनी है? उसकी 45 साल. आप ऐसा कीजिएगा, इससे कम उम्र की लड़की प्लीज मेरे लिए. है? कम उम्र की? कम उम्र. सही बोलो. क्या? कम उम्र. कम उम्र? यस. तू नन्ना है, छोटा है बच्चा है, झूले में पड़ा हुआ कमबख्त, पाकिस्तान से भी 50 साल बड़ा है तू. निकल बाहर. मैं जा रहा हूँ, शादी करके आऊंगा. शादी करके आएंगे तो आपको मकान मिलेगा. यहाँ पे आने जाने में एहतियात करते हैं आप. अच्छा, चल जाए. जवाब डार्लिंग. जी जानू. जरा अंदर तो आना प्लीज. क्या हुआ? एक ग्लास पानी तो पिला दो. ओहो, लगता है आप पे फालिज का हमला हो गया है. तशरीफ रखे, क्या पिएंगी? बेगम, इसको बताओ तुम्हारा मियां भी सोता है. ओह, दूल्हा भाई भी आए. अबे क्या चाबी भर के लाई है? कौन हो? क्या बोल रहा है? पूछ रहा कौन है? कौन नहीं है, पोल का है. पोल का क्या पिघल गई है? कैसे आए हो? पैदल आया है. पहले तो तुम समंदरों के रास्ते आते थे. ये आपके भाई हैं? भाई तुम्हारा बाप होगा, तुम्हारा माँ होगा, पूरा खानदान होगा. क्यों? बकवास कर रहा है, पत्थर मार के सर फोड़ देगा. मगर पत्थर पकड़ेगा कैसे? चलो पकड़ भी लिया तो मारेगा कैसे टुंटे हाथ से? यूं अपने सर में लगेगा. मेरा मतलब है, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम पूछ रहा है? हाँ. हमारा नाम है करीम हैंडसम. करीम हैंडसम. हैंड कहाँ है? हैंड तो बैंड है. आप अपना नाम रखो करीम पैंडसम. आप करीम और ये मिसिस क्रीम. वाह भाई, क्या जोड़ी है, ये क्रीम ये मिसिस क्रीम. अगर आप कहें तो मैं अपना नाम तिब्बत टेलकम पाउडर रख लूं. इजाजत है. आप किस सिलसिले में आए? हम? हाँ. मकान किस सिलसिले में आया? दो कमरे का मकान सही किराए पर. अच्छा, कमरों में रहोगे? दीवारें छोड़ दी, छिपक लिया तो दीवार. आपको कोस कर रहा. अच्छा, आप काम क्या करते हैं? हम? हाँ. हम कालीन बुनता है. हाँ? कालीन बुनता है. बुनता है या पुतरता है? आप मेरे साथ जरा सदा चलोगे घूमने के लिए? क्यों चलेगा? आपका घूमना हो जाएगा, मेरी पैदा हो जाएगी. क्या बात कर रहा है? तुम्हारा शॉप किधर है? अंदर है. किस जुरूम में? जुरूम में नहीं, वो जी ऐसी गाय घर है ना. हाँ, करीब है. आप ये कलम दवात कौन रख के गया है? कौन है, क्यों खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये कमबख्त मुझे किस वजह से लानते दे रहा भाई? देने का क्या जरूरत है?
تمہارا کیا مطلب دینے کا کیا ضرورت ہے؟ کیا بکواس کر رہا ہے بھائی؟ کون ہے یہ؟ پارٹی ہے پارٹی 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 زور زور سے بولو، دو زور سے بولو، پارٹی کون سی پارٹی ہے بھائی؟ آپ مکان لینے گئے؟ مکان لینا ہے، مکان لینا ہے، ہاں لینا ہے، مکان لینا ہے، مکان لینا ہے، مکان لینا ہے، تمہارا باپ بھی نہیں بول سکتا ہے، آپ چل سکتے ہیں؟ ہاں چل سکتے ہیں، چل کے دکھاؤ، چل پڑا چل پڑا چل پڑا، سورج کی شعاؤں سے چلتا، چل پڑا، جان کے لیے چائے لے کے آؤ، فٹافٹ جلدی کرو، چائے آپ لے کر آؤ، پارٹی میری ہے بھائی، بدتمیز آدمی میں بات کر رہا ہوں، تمہارا ہولیا بات کرنے والا، چلو جاؤ جاؤ چائے لے کے آؤ، وہ چائے والا آپ کے نام پہ چائے نہیں دیتا، گالیاں دیتا ہے، تم جاؤ اسے پٹاؤ، چائے لے کے آؤ، ایک طریقہ ہے میرے پاس چائے لے کے آؤ، وہ آپ کو برا بلا کہے گا، میں جواب دے دوں گا، ہاں دے دینا، وہ کہے گا تیرا صاحب بہت گھٹیا، میں کہوں گھٹیا، وہ تو ڈھیٹ ہے، ہاں چائے لانی ہے نا، ہاں ٹھیک ہے، وہ کہے گا تیرا صاحب ذلیل ہے، وہ ذلیل ہو تو کمینہ، چائے لانی ہے نا چائے، بھائی وہ مجھے گالیاں دینے دینا، دوپہر کا کھانا بھی طے کر لینا، چلو جاؤ چلے گا، ہاں ایک اشارے میں سب بڑا ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ ہمارے بیوی کو اشارے پہ بلا رہا ہے، بھائی میں نے تو آپ کو اشارہ کیا، اب آپ کی بیوی آ گئی تو آپ کا اپنا گھر خراب ہے نا، میرا کیا قصور ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ کیا جو تم سن رہا ہے، کیا چاہیے آپ یہ بتائیے، اس لیے بلایا آپ کو، ہمیں دو کمرے کا مکان چاہیے ہے سیپریٹ، کیا چاہیے؟ مکان سیپریٹ چاہیے ہے، سیپریٹ مطلب بجری سیمنٹ اینٹیں الگ الگ دے دیں آپ کو، کون سا سیپریٹ چاہیے؟ الگ 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 الگ، یہ کون ہے آپ کی؟ یہ ہمارا بیوی ہے، اچھا آپ کی وائف ہے، نئے نئے شادی ہوا تھوڑا شرماتا ہے، اچھا اچھا ویری گڈ، شرماتی ہیں، چل جی کوئی بات نہیں، شرمانا چاہیے عورتوں کو، تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بے فکر، آپ ابھی بتائیے آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے مکان لینے میں؟ جب ہم بتا رہا ہے تو اس سے پوچھنے کا کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہ عورتیں گھر میں زیادہ یہ رہیں گی، کتنی کھڑکیاں ہوں، کتنے دروازے ہوں، شام کو کہاں کہاں کھڑی ہوں گی، ان کی ضرورت کا بھی تو دھیان رکھنا ہے، ان کا پتا کرنا ہے، زیادہ ٹھیک ہے، تو اپنا کیا نام ہے؟ جواب ڈارلنگ جی، ایسا کرو کہ مرد سے تم بات کر لو اور خاتون کو میرے پاس اندر بھیج دو، ٹھیک ہے، آپ بھابھی کو اندر بھیج دیں، چلو بھابھی وہ چائے پی لے اور آپ میرے ساتھ چائے پی لے آ جائیے، کوئی بات نہیں، چائے لے آؤ، تمہارا باپ بھی نہیں پکڑا سکتا، اسی جیب میں ڈالو چائے، جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو اس کی چائے، جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو، جیب میں، جیب میں ڈالو، کم پڑ گئی ہے ہوٹل، ہوٹل جیب میں ڈالو، جیب میں ڈالو، آپ پیئیں گے نہیں، آپ کی جیب میں چائے ڈالی جائے گی، اور ابھی آپ بولو گے دو چائے منگا کے آپ کے کان میں ڈلوا دوں گا، یہ مکان دے رہا ہے، یہ پارٹی کا بیزتی کر رہا ہے، آنٹی باڈی کچھ نہیں، آپ ہمارے خلوص کو ٹھکرا رہے ہیں، یہ خلوص ہے اور نہیں تو کیا ہے، خلوص ہے خلوص ہے، ابھی ٹکر مار کے سر پھوڑ دے گا، اچھا بھائی بہت اچھا بھائی، یہ کیل احتیاط سے رکھنا، کبھی کوئی تصویر اسویر ٹھوکنی ہو کام آئی، ایک کام کرو انہیں مکان دکھاؤ، اس کا وہ کیٹر ہے نا، اس کو چاہیے فیملی، تو یہ دونوں فیملی ان کا مکان دے، چلو شاباش ٹھیک ہے، تب پوکل نہیں ہے، ہمارا بیوی کدھر ہے؟ آپ کا بیوی ہمارے پاس ہے، وہ چائے پی رہی ہے، ایک منٹ میں بھجواتا ہوں میں بیوی، آپ بے فکر نہیں کریں، آپ ابھی نکلو گے نہیں، میں بلا کے لا رہا ہوں بھابھی کو، آپ جائیں بیگم، ادھر ان کی بیوی کو بھیجے، مکان دکھانے لے جانا ہے، وہ اصل میں آپ تو لگتا ہے ذہنی طور پہ تیار ہو کے آئی ہیں، بات یہ تھی کہ یہ مکان میں نے آپ کی وجہ سے دلایا ہے، کیونکہ جس مکان میں آپ جا رہی ہیں اس کے سارے راستے جانتا ہوں میں، اس ملاقات میں ایک بات کی کمی ہے، آپ نے اپنا حسین چہرہ نہیں دکھایا، آپ میں آنکھیں بند کرتا ہوں، آپ چاند پہ سے نقاب ہٹا دیں،
جو میرا فرض تھا میں نے پورا کیا مجھے پہلے ہی پتا تھا تم نیت کے بہت برے آدمی ہو اسی لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا ہے اسی لیے میں برکھے کے خلاف ہوں اس میں سے کبھی کبھی اپنا سامان نکل آتا ہے کمبا یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہے تھے تم کس سے بات کی میں نے کوئی بات نہیں کی میرے ساتھ ابھی کیا باتیں کر رہے تھے تم میں ان کی بیوی کو آزما رہا تھا کہ اللہ نہ کرے وہ اس ٹائپ کی تو نہیں ہے ہماری طرف سے مکان مل رہا خدا نہ کرتا وہاں جا کے کوئی بات ہو گئی تو ہماری ناک کٹے گی میں تو آزما رہا تھا آج میں نے تمہیں دوسری مرتبہ چیک کیا جواد تم بہت ہی ڈر کی آدمی ہو تم نہیں سدھر سکتے نہیں سدھر سکتے تم نہیں سدھر سکتے اس قدر بدشگل ہے بھائی تو ابا تبا کمبا پتہ نہیں پولیس میں نوکری کرتی ہے منو سے ہر جگہ اینڈ ٹائم پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ستیہ ناج جائے انہوں نے تو میری زندگی برباد کر کے رکھ دی اس عورت نے اس کا ستیہ ابھی آدمی اعتبار نہیں کر رہا کہہ رہا بیوی کو بلاؤ ہمارا بیوی بھی سو کدھر ہے ابھی تو ایسے کہاں جا رہے ہو ان کی بیگم کی عادت اسی چال پہ آتی ہے اچھا تو میں لے آتا ہوں یہیں رہو سب آ رہے ہیں پیچھے پورا قافلہ آ رہا ہے میں یہیں بلا دیتا اے بیگم ذرا ان کی بیوی کو بھیج دو ان کے میاں آ گئے ابھی دو منٹ میں آپ کو بلوا دیتا ہوں ان کو مکان دکھایا ابھی نہیں راستے میں ہی بولنے لگا بیوی بلاؤ ان کو مکان دکھاؤ ایڈوانس کرا اور اپنا کمیشن لے کے آ چلو شاباش مکان تو سیپریٹ ہے بالکل سیپریٹ آئی آئی مکان بالکل سیپریٹ ہے ابے کیا سیپریٹ سیپریٹ کرا تو نے جوا کرا نا کیا آدمی ہے یار بتاؤ پہلا مکان کیا ارے معاف کیجیے گا ابھی تک میں آپ کے لیے وہ مکان ایک کمرے کا ڈھونڈ نہیں سکا نہیں نہیں اب ہمیں مکان نہیں چاہیے پھر اب آپ کو دکان چاہیے نہیں دراصل بات یہ ہے کہ جس عورت کے لیے ہمیں مکان چاہیے تھا وہ کچھ دیر پہلے مر گئی مر گئی جی ہاں اوئے ہاں جی ہمارے تو نصیب ہی ایسے ہیں اچھا ہم نے جب بھی کسی کے بھلے کا سوچا یا تو ہم سے بچھڑ گیا اور یا مر گیا جی ہاں ہم نے جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کی یا بھلائی کا سوچا تو وہ پھڑک کے مر گیا ہاں یہ تو اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کی اپنی بیوی سے بنتی نہیں ہے اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے بھلے کا بھی سوچیں ہاں یہ غلط میرے بھلے کا سوچنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ میرا برا سوچیں بھائی تو پھر ہم کس کے بارے میں سوچیں آپ کو بھلا سوچنا ہے میری بیوی کے لیے سوچیں ضرور ضرور فی الحال ہمیں اجازت دیں ہم اس بوڑھی خاتون کو دفنانے کے بعد دونوں ضرور حاضر ہوں تھینک یو گڈ بائے گڈ بائے 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 سی این این اوکے پی ٹی این آؤ کراچی ٹی وی تو آخر دل کی بات زبان پر آ ہی گئی کون سی بات یہی بھلائی والی بات ارے یار میں تو ان کو لڑکیوں کو ٹالنے کے لیے بولا تھا تو ہر وقت کلکلے بہت بڑی کلکلے ان کو ٹالنے کے لیے یا مجھے ٹالنے کے لیے یا اللہ مجھے برداشت نہیں ہوتا مجھے جلدی سے بیوہ کر دے آمین ارے میرے منہ سے نکلے گا بھائی آپ لوگ تو لکھنے کے لیے بیٹھے ہو بڑا بڑا لکھ لو کوئی آدمی بولے ہو تو لکھ لو بس ابھی گھر کا معاملہ بھائی تم اس طرح مجھے کسی دن گھپلے میں مروا دیو منوس دیکھو جواب مجھ سے نہیں برداشت ہوتا میں نے کئی دفعہ تمہیں چیک کیے تم ان لڑکیوں سے بات نہیں آ سکتے آئے بس ہے ابھی میں تیری باتیں کروں گا نا پھر بولے گا بڑبڑ کر دیے پاگل کہیں گی ابھی ہم تم سے میں سیدھی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تمہیں خوشخبری سنانے لگا ہوں کیسی خوشخبری میں پلاٹوں کا کام شروع کرنے لگا ہوں کروڑوں روپے کا پلاٹ مگر اس کے لیے پلاٹ ہونے تو بہت ضروری ہے ہاں تو پلاٹ کیا بات دو چار پلاٹ ہوں گے میں نے سوچا کراچی میں بیٹھ کے اسلام آباد کے پلاٹ بیچوں گا فراڈ سے اوہ یا فراڈ باقی لوگ نیت باندھ کے بیچ رہے ہیں دیکھو جواد میں اس فراڈ کے کاروبار میں تمہارا ساتھ ہرگز نہیں دوں گی میں نے کہا نا یہ مکان اور دفتر بیچو مجھے پلاٹ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے تمہارے لیے اپنے جہیز کا مکان بیچ دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں نیا مکان بنا کے دے دوں لعنت بھیجوں میں تمہارے نئے مکان پر مجھے دو وقت کی روٹی چاہیے روح بھی سوکھی اور ویسے تو پانچ پانچ تکے کھا جاتی ہے منوس اور اب تو دو وقت کی روٹی کھائے گی وہ بھی سوکھی یہ سوکھی روٹی ہے انشاءاللہ بھوسی ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے کھلاؤں گا تمہیں میں نے کہہ دیا اگر تمہیں میرا ساتھ دینا منظور نہیں ہے تو آج سے اس دفتر کے دو حصے ہوں گے صبح 8 بجے سے 2 بجے تک میں بیٹھوں گا 2 بجے سے 8 بجے تک تم پلاٹ بیچنا میں بےمانی کے پلاٹ بیچوں گا تم ایمانداری کے بیچنا ہم دیکھ لیں گے دونوں میں سے پہلے کون ترقی کرتا ہے ٹھیک ہے میں بھی دیکھتی ہوں بے ایمانی سے کمائی ہوئی دولت سے تم کیسے خوش رہو گے میں خوش ہوں چل جا مبارک ہو
क्या हुआ? पार्टी को मकान बहुत पसंद आया। वेरी गुड यार, मकान पसंद आएगा। हाँ। अपना कमीशन ले लिया? वो कह रहा कल देंगे। हा? कल देंगे वो। यार क्या बकवास कर रहे हो, कल देंगे यार। पार्टी है। आज ही दे लेना चाहिए था कमीशन यार, कल का। मेरा साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड हुआ मेरे साथ। क्या फ्रॉड हुआ भाई? फ्रॉड हुआ, ये फैमिली लेके आया। कौन सी फैमिली? अभी जो तुमने भेजी है। कहाँ गई वो फैमिली? इन्हीं के घर छोड़ के आया। ये तो खुश हुए थे। खुश हुए थे? आगे सुनो भाई, फैमिली आपके घर छोड़ दी, खुशी की बात है? खुशी की बात तो है। हाँ। मुझे उस औरत के चार चलन पे शक था। क्या? कि वो सही नहीं है। मैंने झांक, मुझे झांकने की भी आदत थी। हाँ। वो मैंने झांक के देखा। हाँ। तो वो औरत खड़ा होकर शेप बना रहा था। क्या बताओ, क्या कहा, ये बोल दो। अल्लाह मैं नहीं बता सकता यार, किसी और से कहलवा दो, जल्दी से बात करो यार। नहीं नहीं, वो औरत यहाँ आया। आया तो अंदर गया। अबे हाँ गया, उसे बार बार क्यों भेज रहा अंदर, क्या बात है? वो एक दफा आया चला गया, ठीक है, बाकी बात है बीच में से बताओ। नहीं नहीं, वो औरत यहाँ आया। आया अंदर गया भाई, वो गया आया, वो गया बीच बीच में बताओ, बीच में। अच्छा, वो अंदर से आया काहे के लिए इतनी दफा बुला रहा है, ला रहा है उसे? मैं वाकया बता रहा हूँ यार। तो वाकया आगे बढ़ाओ यार, मुझे बताओ। मुझे नहीं, वो नहीं, ये पूरे मोहल्ले को बता देगा। मुझे बताओ, शोहर हूं मैं, पी जाऊंगा, मुझे बताओ। हाँ। वो औरत यहाँ आया जी? आया गया, बीच में शुरू करो। उसने तुम्हारी बीवी से पता क्या कहा? बोलो बोलो दोस्त। मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, इसके मुंह में अपनी जबान रख दे यार। नहीं नहीं, वो औरत यहाँ आया। अरे यार अंदर गया। तेरा बाप गया अंदर, कौन गया? हमें भी पता है, हमने खुद भेजा था। तो यार मैं तो ये बोला वो आया। लो भाई, अब ये बोले ना आया, तो बस फिर आया, समझ गया ना? हाँ। अच्छा बीच में से बता, ऐसे बोलो। हाँ। वो औरत आया। मैं बता रहा भाई, मैं अब जाऊँ, अब करो फिर बोलना। अंदर गया, बाहर गया, उसने तुम्हारी बीबी से कहा? हाँ। क्या आज से तुम मेरी? हाँ, आ, 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 मेरे शादी में बहुत पैसे लगे, मैं कोई बुरी खबर नहीं सुनाई मेरा भाई। उसने कहा आज से तुम मेरी? हाँ, बोलो 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 बोलो। बहन हो, अल्लाह तेरा शुक्र है, नुकसान नहीं हुआ मेरे मालिक। लाख लाख हो जाती, नुकसान हो जाता भाई, बोलू लंबा। ठीक है, आप आइंदा कभी कोई फैमिली आए, देखभाल के किसी के घर भेजो। अबे यार देखो यार, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ भाई। यार मैंने ऐसी खिड़कियां तो नहीं, काम ही नहीं आ रही खिड़कियां। सही बात, झांकने की आदत है भाई। इधर अबे चंपू, आपके सामान सही भेजियो, मैं सही हूँ, पागल नहीं हूँ। कभी पागल होता कभी सही होता। यार छोड़ो तुम इसको, ये मैं बड़े चक्कर में पड़ गया हूँ यार। एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो। वो जो बुरखे में मर्द था, उसे अंदर किसने भेजा था? वो भेजा तो मैंने ही था, ये सोचो कि लाया कौन था। आइंदा ध्यान रखना, समझ गए? अच्छा। फैमिली जाओ शहर में एक चक्कर मारो और देखो प्लाट कहाँ कहाँ खाली है। हा? हमें खाली प्लाटों की जरूरत है, कब्जा करना। जाओ देख के आता हूँ, कब्रिस्तान तक भी हो तो चेक करना। मुर्दों को क्या पता पड़ेगा क्या बिक रहा है, वो तो चुपचाप है, उनको कुछ नहीं पता। जाओ, अब जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदाद बनाऊंगा, बताऊंगा इनको किस तरीके से दौलत कमाई जाती है। ये मेरी बीवी समझती है प्लाटों में पैदा नहीं है, पैदा कर सकता हूं मैं।
فرمائیے آپ کو کس سے ملنا بھیا؟ السلام علیکم. السلام. آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا تھا میں. فرمائیے. آپ خیریت سے تو ہیں؟ اللہ کرم ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بالکل ٹھیک. او تو میں یہاں اپنے کام سے آیا تھا. دراصل آپ میرے کام سے آئے تھے؟ جی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ دفتروں میں آ کے چوری کرتے ہیں. جی آپ چور ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ؟ آپ اپنی جیب دیکھیے. لیکن یہ چوری میں نے تو نہیں کی. تم نے کیا تو میں نے کیا. تو یہ مجھے خدا کی قسم بالکل نہیں پتا کیسے میری جیب میں آیا. میں میجک مین. ٹرک. یہ ٹرک سے ڈالا تھا آپ نے؟ ہاں میجک مین بھائی, میجک مین ہوں. او ہو ماشاء اللہ. یہ لو پکڑو, آپ کے ہاتھ میں آ گیا میجک. میں تو میجک کا بادشاہ ہوں بھائی. اچھا یہ چھڑی دکھا, یہ دیکھو یہ گرے گی نہیں. ہاں نہیں گر رہی. کہاں کیوں نہیں گر رہی؟ کیوں نہیں گر رہی؟ پاگل کے بچے, میں نے انگلی رکھی ہوئی, کیسے گرے گی؟ میجک میجک. یہ لو پکڑو, آپ نے پکڑ لیا میجک. یہ جیب سلی ہوئی ہے؟ سلی ہوئی ہے. نہیں سلی ہوئی میجک, ابھی سلی ہوئی تھی نا, اب نہیں ہے. کہاں یہ کس ٹائپ کا نقصان زدہ میجک ہے؟ ارے یار میجک ہے یہ, میجک. یہ دیکھو آپ, دیکھو میجک اصل میجک. یہ لو, ایک دو تین کروں گا چھڑی کھینچ لینا. ایک دو تین. یہ دیکھو منہ نہیں گرا میجک. آپ کریں آختو آختو. بدتمیز قالین پہ تھوکتے آپ. میجک, آپ کے منہ سے تھوک نکلوا دیا میجک. دونوں ہاتھ جوڑے, دونوں ہاتھ جوڑے, ہاتھ پکڑ لیں انگلیوں. ہاتھ بند ہو گیا؟ ہاں ہو گیا. ہو گیا نا. ہاں کھولے میجک. کہاں لگا دیا آپ نے مجھے, کس کاروبار میں لگا دیا؟ آپ حکم کریں, آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بھائی آپ کا باہر اسٹیٹ ایجنسی کا بورڈ لگا ہے. ہاں میں نے پڑھا, میں اندر آ گیا. آپ کو پلاٹ چاہیے؟ پارٹی ہوں میں. پلاٹ چاہیے؟ جی ہاں. اللہ مجھے بتایا پہلے, آپ نے نہیں بتایا. یہ دیکھیے آپ پلاٹ دیکھیے, کیا پلاٹ ہے. اس سے اچھا کوئی پلاٹ نہیں, چونکہ واحد پلاٹ ہے جس کے آگے بھی پلاٹ ہے, اس کے پیچھے پلاٹ ہے. یہ پلاٹوں میں بہترین پلاٹ ہے, وی آئی پی پلاٹ ہے, اس کے چاروں طرف پلاٹ ہے. یہ اکیلا پلاٹ ہے, ان کے پلاٹ پلاٹ ہے, کارنر کا پلاٹ ہے, کیونکہ اس کا پارک ہے, بچوں کو اسکول پریپر دے, جس میں بھی اسپتال ہے, کیونکہ پلاٹ ہے, کیونکہ یہ ایک پلاٹ ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کوئی پلاٹ نہیں, کیونکہ وی آئی پی پلاٹ ہے, یہ اکیلا پلاٹ ہے, کارنر کا پلاٹ ہے, پلاٹ کا پلاٹ ہے, یہ پلاٹ ہے, جس کے پلاٹ کی قیمت کا پلاٹ کا پلاٹ آخری پلاٹ, اور یہ وہ پلاٹ ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ یہی پلاٹ ہے. اس کی کتنی قیمت ہے؟ 50 لاکھ. بہت چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں آپ, اور کوئی بڑا سودا دکھاؤ. یہ دیکھیے آپ, یہ دیکھیے آپ, اس پلاٹ کے بارے میں تو دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا, یہاں سارے وی آئی پی رہتے ہیں. کیسے؟ ادھر دیکھیے برابر میں دیکھیے, کونے والا مکان ہے نا. ہاں یہ بش کی بہن کا ہے. اچھا. ریگن کی پھپھو رہتی ہیں یہاں پہ. یہ تیسرے مکان میں یاسر عرفات جمعرات کی جمعرات آتے ہیں یہاں پہ. ہاں میٹنگ ہوتی ہے یہاں پہ. بہترین وی آئی پی بنگلہ ہے. اس کی کیا قیمت ہے صاحب؟ 5 کروڑ. بہت چھوٹا کام دکھا رہے ہیں آپ مجھے. آپ پتا نہیں آپ کے سامنے کون کھڑا ہے. کون کھڑا بھائی؟ کون بیٹھ جاؤ, کیوں کھڑے ہو؟ یہ دیکھیے آپ, کیا پلاٹ, بہت خوبصورت بہترین پلاٹ ہے. اس سے اچھا کوئی پلاٹ نہیں, مگر یہ بکا ہوا ہے. یہ دیکھیے آپ, ادھر ہی سالہ ہے. یہ دیکھیے آپ, ایک منٹ, یہ نہیں, یہ تو میرا گھر ہے. یہ دیکھیے آپ, یہ کیا پلاٹ ہے صاحب؟ کیا خوبصورت پلاٹ ہے. 500 ایکڑ کا پلاٹ. 500. اس میں دو دریا ہیں. اچھا. چار جنگل ہیں. جنگل میں جتنے جانور, کتے, بلی, سور, سب آپ کے ہو جائیں گے. آپ صرف بات کریں. یہ ایک پلاٹ یہ ہے, ایک یہ ہے. یہ دوزخ سے 300 گز ادھر ہے بس. کیا مطلب؟ دوزخ 300 گز کے بعد دوزخ ہے. آپ کو رشتے داروں سے ملنے میں بھی آسانی رہے گی اگر آپ چاہیں تو. بات میرا خیال یہی والا دیکھ لیں آپ. یہ جو یہ پلاٹ, اچھا, 25 کروڑ روپے اس کی قیمت. یہ بھی بہت چھوٹا پلاٹ بھائی. میرے پاس آخری پلاٹ ہے 25 کروڑ. 25 کروڑ کا؟ جی جی. تو اس پہ سودا کر لیں؟ جی. تو 25 کروڑ کا مقصد یہ ہوا کہ 25 کروڑ فل پیمنٹ کریں گے آپ کو. فل پیمنٹ آپ پہلے مجھے بیانہ کریں گے. یو مین ایڈوانس؟ یا یا. دراصل بات یہ ہے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. نہیں ٹائم تو بہت جلدی ختم ہو جائے گا, مگر آپ کو پیسے تو پہلے دینے پڑیں گے, ورنہ پارٹی ڈن نہیں کریں. دیکھیے ہم ون پیمنٹ کریں گے آپ کو. آپ چاہے ٹو پیمنٹ کریں, مگر آپ بیمان پہلے بیانہ پہلے کریں گے. دراصل ٹائم ختم ہو گیا ہے. ابے کاہے کا ٹائم بھیا, ابھی تو بینک کھلے میں, آپ جاؤ پیسے لے آؤ. دراصل بات آپ میری بات سمجھ نہیں رہے بھائی. میں آپ کو بات سمجھ رہا ہوں, لیکن ہمارے یہاں اصول ہے, ہم بیانہ کے بغیر کام نہیں کرتے. اور دراصل ٹائم ختم ہو گیا. کاہے کا ٹائم بھائی؟ بات دراصل کیا ہے کہ میری گاڑی آدھا گھنٹہ لیٹ تھی. اچھا. میں نے سوچا چلو ٹائم ہی پاس کر لو. یہ آپ نے Thank you.
क्यों, क्या हुआ? पुलिस उसे ढूंढ रही है। क्या? हाँ। जब आपको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ। किस चीज में? फरार के केस में। क्या फरार किया उसने? उसने लोगों के साथ लाखों रुपए का फरार किया है। ये हाँ। ये तो बहुत बुरा किया जवाब ने। वो जवाब है कहाँ? मुझे क्या पता, लोगों का ही बेवाओं का पलाटों के चक्कर में माल खा गया, लाखों रुपए की चीटिंग की है। क्या? वो गंजा नहीं आता था। हाँ? उसके साथ तो अजीब ही चीटिंग कर दी। क्या? कहने थे तू मकान लेने आया था, कहने मकान बाद में मिलेगा, पहले शादी कर। वो वापिस आया, कहना शादी इस वजह से नहीं हो रही कि मैं गंजा हूँ, कहना मैं गंजे पने का तेल दूंगा तुझे 40,000 रुपए दे दे। उसको मिट्टी के तेल में सरसों का तेल मिला के दे दिया। ये जब आपको क्या हो गया, ये क्या चीटिंग शुरू कर दिया उसने? अरे मेरे साथ भी चीटिंग की उसने। तुम्हारे साथ क्या चीटिंग की है? एक गरीब लड़की आई, कहने लगा इसके साथ शादी कर ले, सवाब होगा। तो ये तो सवाब का काम किया उसने। तो ये सवाब का, कहने जहेज मैं दूंगा। जहेज में क्या दिया? चारपाई के दो पाए, क्या दो अपने पास से मिला के चारपाई बना लीजिए। खुदा का शुक्र अदा करो कि ये दे दिया, बहुत ही कंजूस है जवाब। तो ऐसा कंजूस है, वो लड़की तो एंड में बुढ़िया निकली, उसकी अपनी 6 जवान लड़कियां थी, कहने इनकी शादी करा। मैंने करा तो शादी है, ये तो सवाब का काम है बहुत ही। और सारे सवाब का काम मैं करूं? तू पागल का बच्चा। मैं खुदा की कसम फंस गया ना तो मैं देख लूंगा। मुझे क्या देखोगे, तुम्हारा दोस्त है, मुझे लगता है तुम भी बराबर के शरीक हो उसके साथ। काहे का शरीक, मैं तो नौकर था इस घर में। मुझे कहने लगा हर 3 महीने बाद तू तनख्वाह ले लियो। मैंने कहा 3 महीने बाद? कहना हाँ, लोगों को 30 दिन बाद मिलती है, तुझे 3 महीने बाद दूंगा। अजीब पागल आदमी, खुदा की कसम पुलिस आ रही है, मैं भाग रहा हूं। ये तो जवाब ने बहुत ही बुरा किया। अजी फरमाइए। कौन है आप? जी मेरा पूछना तो जामा किलात पे जाके पूछे। ऐसा लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा हुआ है। जी हाँ, मैं मुसलमानों के ख्वाब में आती हूँ 23 मार्च को। आप कहीं मेरे शोहर के रिश्तेदार तो नहीं है? अल्लाह ना करे। तो कौन है आप? मैं ही हूँ। कौन? आपके शोहर। क्या? और मैं हूँ पागल बेवकूफ। जवाब इस हुलिये में। मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मैंने दोपहर को थाना भेज दिया। थाना भेज दिया, जिनको बेचा वो सामान लेके पहुंच गए। पुलिस से कह रहे हैं बाहर निकलो, हमने अंदर ड्राइंग रूम सेट करना। मजाक नहीं जवाब, ये तो चुप कर जाओ। मेरे पास टिकट है सारे, मैंने डॉलर्स वॉलर सब सेट कर लिए, निकलो यहाँ से, स्विट्जरलैंड चलते हैं, वहाँ पे चल के सेट हो जाएंगे। देखो जवाब, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे स्पॉट के कारोबार में तुम्हारे साथ नहीं दूंगी और तुम्हारे साथ भी नहीं जा सकती। मैं कह रहा हूँ इस वक्त तकरीर का टाइम नहीं है, निकलने वाली करो। बंदर की तरह उछलो मत, कम बखत मारे वैशी गुरीले, दूर खड़ो के बात करो, साथ छिट का बात करो। चलो ठीक है, मुझे जवाब का पता बताओ। जवाब का पता हमारे पास रखवा के, तुम जवाब का हमें क्या पता है? हम तो खुद मुसीबत मारी, दोनों लड़के घर में तना खड़े का मकसद, तुम आगे बात करने चल जा। नहीं मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं, मुझे कहीं नहीं मिले। तो खुद ढूंढ, हमें हमारे पास रखवा है, तूने जा दफा यहां से, कमबख्त दोजख के गेट कीपर, चल जा। नहीं जाऊंगा मैं, तेरे मेरा 80,000 रुपए 40,000 रुपए खाला के लूट लिए मैंने, मुझे फ्रंट के मेरा धोखा किया। 80,000 रुपए खाला के 40,000 तेरे लूट लिए तो तुमने खुद लुटवाए कमीने, जाओ जाके अपने आप भुगतो कमबख्त, इन मनुष्य का मुंह ना लगना, चल जा। मैंने चप्पा चप्पा पे अपने जादू छोड़े हुए। जा दफा हो जा, नाइजीरिया के नारियल, जा दफा हो। ठीक है मैं जा रहा हूं। मुंह ना लगा, चल जा घर में, औरतें के लिए चल जा, जूती तार के मुंह मसल तुम, चल जा। आप कौन है उनकी? मैं कोई भी हूं, चल जा। क्यों? चल जा, तुझे क्या मेरा शनाख्ती कार्ड चाहिए, तू चल जा दफा हो। ठीक है मैं जा रहा हूं, देखना मैं क्या करूंगा। तू कुछ भी नहीं कर सकेगा। पता नहीं जवाब, गरीबों ने तुम्हें किस तरह से कमाई हुई दौलत दी होगी, खुदा के लिए इनके पैसे वापस कर दो। ओए तकरीर नहीं करा, गरीबों ने पैसे दिए, लालच में दिया गरीबों ने। कभी 1,000 रुपए में 20,000 गज का प्लाट मिलता? सुनिए अजी फरमाइए, मुझे जवाब साहब से मिलना है। आपको क्या काम है जवाब से? उन्होंने मेरे यतीम बच्चों का सहारा छीन लिया है। हाय वाह वाह, तुम्हारे होते हुए तुम्हारे बच्चे कैसे यतीम हो सकते हैं? तुम तो जब चाहो उनके लिए अब्बा का इंतजाम कर दो। क्या कह रही है? मैं वही कह रही हूँ, तुम सुन रही हो? आजकल के दौर में अगर बच्चों का बाप मर जाए तो उनकी हालत फकीरों से बदतर हो जाती है। हो जाती है फकीरों से बदतर, अपनी बदतर गाय तुमने खुद की है। वो आपने जवाब से कोई प्लाट लिया था? हाय हाय प्लाट नहीं, कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा है, देख
نے شوق سے لیا نا, کسی نے تمہارے کان پہ بندوق رکھ کے تو نہیں کیا نا؟ میں نے اپنا سارا زیور بیچ کے پلاٹ اس لیے خریدنا چاہا کہ میرے بچوں کو چھت مل جائے. چھت مل جائے؟ دیواروں تیرا باپ لے کے دیتا؟ خالی چھت لے کے بیٹھی رہتی, چاروں طرف سے پانی کوڑا کیچڑ سب آتے. کم وقت ماری اچھا ہوا, تیری تو عقل ہی نہیں ہے. پہلے دیواریں بناتے ہیں باولی, پھر بناتے ہیں چھت. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ میں تو بیوہ عورت ہوں, سلائی مشین لینے آئی ہوں. اور تو بیگم صاحبہ کو غصہ دلا کے میری مشین بھی مروا دیو منوس. میرے ساتھ تو دھوکا ہوا, فریب ہوا. اے فریب ہوا تو اپنے کرتوتوں سے ہوا فریب. ہم نے کوئی فریب کے لیے کہا تھا تجھے؟ وہ دیکھیے میں آپ سے, تم رہا چپ کر. آئے وہ آئے میں منہ مسل دوں گی تیرا. چل جواد, چپ کر. چل جواد, کم بخت ماری پانچ بھائی منہ. چل دفاع ہو جواد. میری بات کیا بات جواد؟ نہیں وہ اچھا لبار, تو کہاں کو بیچ میں بول رہی ہے؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں جو آپ سن رہی ہیں؟ وہ جواد نے میرے ساتھ بہت دھوکا کیا ہے, وہ اسے ملا ہے. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر جواد نے آپ کے پیسے واپس رکھے تو میں دوں گی آپ کے پیسے. میں دوں گی؟ تیرے پاس تو بڑے پیسے نا, فقیر نہیں. ہائے, کس کس کے پیسے واپس کرو گی؟ کس کس کو یقین دلاؤ گی؟ کس کس کے کہا ہے کہ ذرا دوسرے جو کمبخت ماری تیرے گردے میں. اپنی بات کر, منوج کی بچی سارے شہر کا ٹھیکا لیا ہوا تو نے. کس کس کے؟ اور تو بڑی آئے غریبوں کی کاؤنسلر بن کے. آئے میں کہہ رہی ہوں روک لے اپنی بہن کو. آئے بہن ہوگی تیری؟ کم بخت مارے غریب ہو, تمہیں تو رشتے جوڑنے میں نہیں آتا, جبھی تو تمہارے پیسے مرتے منوس ہو. باز آ جا, تمہیں جانتی نہیں ہے اب یہاں. کم بخت ماری زیادہ باتیں مت کریے, چپیا پکڑ کے نا نالی میں ڈال دو. تیری اما کو, تیرے باپ کو, تیرے پورے خاندان کو جانتی ہوں. کیا جانتی ہے تو؟ جانتی تیری ماں کے بارے میں بھی, کم بخت ماری تیری بہنوں کے بارے میں, تیری تائی اما کو, تیری چاچی, تیری مماری, تیری دنیا کے بارے میں. باتیں کرتی ہے کم بخت ماری, تیرے باپ کو بھی جانتی. تیرا باپ کینٹ اسٹیشن پہ ایکس رے دکھا کے پیسے مانگتا ہے کم بخت ماری. جبان لگا رہی ہے کم بخت, ٹھنگنی مار کے چوتی نکالو منہ کو. چوتی تو چوتی کا مارے گا. کم بخت ماری تیرے باپ کو, تیری نسل کو جانتی. کم بخت ماری اپنے بھائیوں کو بلا لے, آ کے لڑوا لے میرے بھائیوں سے. کم بخت ماری چھری مار کے اندر آ جاؤں گی؟ نہیں, تو میں پاگل کا بچہ ہوں, اکیلا جیل جاؤں.
देखो जवाब, अगर हो सका तो मैं तुम्हारे लिए ये मकान बेच दूंगी। मकान? आप बेचोगी ये मकान? आप? जबकि मुझे मकान की जरूरत नहीं। याद है उस वक्त मैंने क्या कहा था? मकान बेच दो, तुमने कहा मैं अपने जैस का मकान नहीं बेचूंगी। नतीजे दल मेरा फरार किया, चिटिंग की, धोखे दिए, आज मेरे पीछे पुलिस है, मैं मुंह छुपा के फिर रहा हूं, मुल्क से बाहर भागना चाह रहा हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन मकान बेच देती और मुझे पैसे देती, मैं कभी फरार और चिटिंग नहीं करता, नेक से कारोबार करता। अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं, मेरे पीछे पुलिस है, मैं लोगों से मुंह छुपाता फिर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इसलिए कि तुमने अपना खानदानी मकान नहीं बेचा था, इसलिए मैं इस मकान के ऊपर पहुंचा हूं। जाओ तुम पुलिस पे फायरिंग करो। मैं फायरिंग फायरिंग नहीं कर सकते तो अपने ऊपर करवाओ। जाओ खुदा के लिए जवाब, मेरा जरा सा बेसास है तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो प्लीज। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं मेरे मालिक। ओ अल्लाह, ये क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरा दिमाग घूम गया था जरा। जवाब प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या हुआ? मेरा समीर जाग गया। तुम तैयार हो? हाँ, तुम जाओ मेरे मैले कपड़े निकालो, मैं जेल की फैक्ट्री में धुलवा लूं। ठीक है। तुम जाओ, कोई अच्छा सा पुलिस वाला भेजो। अच्छा सा? हाँ, देखो पूरे महकमे में एक आधा तो होगा यार, जाओ ले जाओ। पुलिस को लेकर आओ, आज मैं अपने जुर्म का इकरार करूंगा। पुलिस लाओ। जिन्ना तेरी मर्जी, नचा बेलिया, मैं नहीं भागूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आज ही तो मुझे मौका मिला है अपनी सदाकत को बताने का। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत चीटिंग फ्रॉड की, लेकिन मैं अब एक पुन करना चाहता हूँ। क्या पुन? पुन पुन नहीं समझते आप? सुन साहिबा, सुन प्यार की धुन, प्यार पुन धुन वो यार। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा प्लॉट है जो मैंने अपने असल कीमत पे खरीदा था, मैं चाहता हूँ इसे उसी दाम पे बेचूं ताकि माशरे के लोग ये देख सके कि मैं एक सच्चा आदमी हूं, मैं चीटर नहीं हूं। मैं अपनी बीवी की आंखों में सुरखुरु होना चाहता हूँ। खुदा के लिए आप ये प्लाट खरीद लीजिए। और जी हमारे पास पैसे कहाँ जी? आप अपनी जेबें देखें, पब्लिक रख देती है, आपको पता नहीं चलता। आप देखें प्लीज, टोपियां देखें, टोपियां, ओ बड़े वाले गल्ले तो यही है, इनमें रखिए, ये प्लाट पकड़िए, दीजिए, तलाशी लीजिए, अपनी तलाशियां खुद लीजिए, बड़ी मेहरबानी। इंस्पेक्टर साहब, अगर 5 मिनट दें तो मैं अपनी बीवी से मिल लूं। 10 मिनट के लिए जा सकते हैं जी, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ठीक है। बासुर मंटू जी, ये जो प्लाट है ना, इस पर तो मैं वीडियो सेंटर बनवाऊंगा बाबा। सर जी, इसमें अपना मकान भी बनेगा, इसमें सर जी जगह काफी है। जी वो जवाब आप ही से तो मिलने गए अंदर। मुझसे मिलने? हाँ? मगर मुझसे मिलने अंदर तो नहीं आया। आपने उसे छोड़ा क्यों? वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है। ओ ना जी ना, वो बुरा मुजरिम नहीं है, वो तो बड़ा भला मनस आदमी है। अरे मैं उसकी बीवी हूँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत बड़ा चीटर है वो। ओ नहीं जी नहीं, उसने तो हमें प्लाट दिया बड़े सस्ते सस्ते। कौन सा प्लाट? ये देखे जी, कितना प्यारा प्लाट हमें औने पौने दाम में दे दिया है।